केस में उसी चक्कर में एक बार सेबी ने मुझे बुलाया भी था. I have been to सेबीज ऑफिस लखनऊ वाले में, है ना. सो तो आई हैव बीन टू, मैंने कहा मेरे को तो कुछ पता भी नहीं, सो मैं तो किसी के अंडर काम कर रहा हूँ ना. ही सेड क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट को बुलाया तो रिसर्च एनालिस्ट को जाना पड़ेगा. मैंने कहा मैं क्या जाके बात करूंगा, तो मुझे पता भी नहीं, पता नहीं क्या पूछेंगे, है ना. तो और मैं वैसे डर के रेगुलेटर का नाम सुन के रेगुलेटर रिसर्च एनालिस्ट को बुला रहा है. तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है ओके चला जाता हूँ. बट उनका एक अच्छा चीज है कि उन्होंने मेरे को ट्रेडिंग जब सिखाया था ना, उन्होंने मेरे को गाली देकर के ट्रेडिंग सिखाया. व्हेन ही वाज ट्रेडिंग ना, ही इज ऑलवेज इन अ डिफरेंट जोन. मतलब आज के टाइम पे उस तरह का, आज के टाइम पे तो उस टाइप का जो ट्रेडिंग मेथड है ना, मतलब वो तो कोई करता ही नहीं आजकल के तो टाइम पे. पीपल आर टू मच पैम्पर्ड इन द ट्रेनिंग सेशंस. इसी में एक इंसिडेंट बताता हूं रोहित, एक छोटा सा. जैसे आपने वाईफाई वाला प्रॉब्लम बोला तो मेरे को क्लिक किया वो चीज. एक बार मैं ट्रेड कर रहा था घर में, सो आई वाज इन अ प्रॉफिट ऑफ 36,000 रुपीस का मैंने ट्रेड लिया था. तो इंट्राडे में मेरे को प्रॉफिट आ रहा था. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज ट्रेडिंग ना, तो मैं अपना रूम बंद करके रखता था. ओके, नोबडी वाज अलाउड इन माय रूम टिल आई एम ट्रेडिंग 3:30 तक. ओके, सो एक बार और मेरा गलती से ना मैंने वाईफाई बाहर लगवा दिया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, तो मेरे को नीचे भी कवरेज चाहिए था, तो मेरा वाईफाई बाहर लगा हुआ था. सो माय मॉम वाज क्लीनिंग दैट रूम, है ना. तो उन्होंने गलती से झाड़ू मार दिया वाईफाई पे एंड दैट गॉट क्लोज्ड, है ना. तो मेरे को दो मिनट समझा नहीं कि क्या हुआ, है ना. तो पोजीशन चल रही थी एंड बाय द टाइम आई रियलाइज कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, एंड देखा जाकर के तो पोजीशन पूरा रिवर्स हो चुका था, है ना. तो दैट 36,000 गोज इनटू 18,000 रुपीस लॉस, और मैंने वो खुलते ही काटा पहला पोजीशन. सो व्हाट हैपेंड, मैंने जाकर के देखा मेरी मम्मी खड़ी है ऐसे करके, वो मेरे को देख रही है ना. मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, है ना, कि क्या करूँ, है ना. तो मैंने बोली क्या हो गया, है ना. मतलब उन्होंने आके मेरे को जस्ट पूछा कि राहुल क्या हो गया. मैंने बोला मम्मी अभी ना चले जाओ, है ना, शाम को बात करते हैं, ना. तो बोलती बंद हो गया क्या. मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने कहा बहुत कुछ बंद हो गया अभी, है ना. तो मैंने कहा मम्मी आप चले जाओ, है ना. मैं बंद करके सो गया उस टाइम पे. मैंने बंद किया ना, स्लेप्ट इट फॉर 6:30 उठे. फिर आके मेरी मम्मी पूछी क्या हुआ बता. मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, वो है ना थोड़ा सा लॉस हो गया था बस इसीलिए, है ना, थोड़ा. तो बोलती अच्छा चल, ज्यादा तो नहीं हुआ ना. मैंने कहा नहीं नहीं ज्यादा नहीं हुआ, है ना. सो भाई और वो भी कब आया, जब एकदम सेकंड वीक, सेकंड वाला वेव कोविड का पीक पे था, राइट. आई शिफ्टेड फ्रॉम वहां से इधर. मैंने अपने फादर को पूछा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ही सेड दैट कि यू आर डूइंग अ फ्रीलांसिंग वर्क, है ना. तुम अपना ट्रेडिंग करते हो विच इज ओके, बट ट्रेडिंग वालों को कोई नहीं देखता. मतलब मेरा एक शादी का रिश्ता भी आया था, है ना, मेरे लिए उस टाइम पे. तो मेरे फादर ने बोला कि ये पढ़ाता है, तो वो लोग सुन के आ गए. मैंने बात किया तो मैं बोलता मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ. भाई वो ट्रेडिंग का नाम सुनते ही वो आज तक दिखे ही नहीं मेरे को वो लोग, है ना. है ना, सट्टा खेलता है ये तो, है ना. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, टुडे वी हैव राहुल विद अस. हमने अपनी ट्रेडर्स टॉक का एक एपिसोड किया था राहुल के साथ, वेयर ही डिस्कस्ड अबाउट हिज डाटा एनालिसिस, जिसके थ्रू ही डज द एफएनओ ट्रेडिंग. ठीक है, राहुल इज करंटली विद क्वांटसेप एज अ ट्रेनर एंड ही ट्रेड्स इन हिज पर्सनल कैपेसिटी. सो राहुल का वो सेशन करने के बाद इट केम टू माई माइंड कि देर इज अ लॉन्ग स्टोरी व्हेन समबडी कम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्चुअली सर्वाइव्स इन इट एंड स्टेज इन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वेलकम राहुल, टुडे वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट यू. थैंक यू रोहित. यस, प्रीवियस सेशन काफी अच्छा भी था एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन. राइट, आई एम डेफिनेटली आई डेफिनेटली शेयर लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम माई साइड एंड वॉट एवर आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. And yes, और बाकी चीजें भी हैं, I'll definitely love to share with people. And I hope इतना कुछ inspiring नहीं है, but फिर भी like people will get something out of it. So that's my agenda, right? Okay. So from our initial discussion, what I understand is कि आप करना कुछ और चाहते थे, गलती से trading के अंदर पहुंच गए and then you made a career out of it. I wanted to do lot of things and I did actually बहुत कुछ भी किया है बीच में. Okay. And then उसके बाद eventually this is the only line I wanted to be. तो मैं यहीं पे आके फंसा हूँ, आपको पता है ना. तो एक बार घुस जाता है तो इंसान घुस ही जाता है, right? Okay. But how did it start? So Rohit, initially it happened in actually, और थोड़ा बहुत पीछे जाकर के बात करूँ तो it happened in you know in 2007 actually 8 okay 2008 okay. When I have given my 10th examination. So वहाँ पे ऐसा हुआ था कि I was not able to score marks. मेरे घर में ना सब लोग scholar हैं. मतलब माय फादर इज अ वेरी गुड पर्सन फ्रॉम यू नो दिस एकेडमिक यू नो उसके हिसाब से ही वाज अ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर एट हिज टाइम. आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, वो दोनों भी टॉपर हैं. माय ब्रदर एल्डर ब्रदर इज ऑस्ट्रेलिया में, वो टॉपर है किसी यूनिवर्सिटी में. माय ब्रदर इज इन यू नो सेकंड वन इज इन फ्रॉम यू नो सम उसने स्कूल में भी टॉप किया. इट्स लाइक दैट. ओके,
सो मेरे को वहां से हिट लगा कि देन मेरे लाइफ में कुछ कर नहीं रहा हूँ एंड हैव टू डू. सो इवेंचुअली मेरे को साइंस से हट करके कॉमर्स में आना पड़ा बिकॉज मेरे घर में सब लोग साइंस पढ़े हुए हैं. सो आई एम द ओनली वन हु इज लेफ्ट आउट है ना. तो ऐसा है देन आई टुक कॉमर्स एंड देन थोड़ा मेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट आया फाइनेंस के अंदर जहां से मेरा मैंने पिकअप करना शुरू किया. एंड देन अगेन सिचुएशन कम्स व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन. तो आई वाज इन भगत सिंह कॉलेज इन डीयू राइट ओके. तो वहां पे ना 375 अप्रोक्सीमेटली सीट्स होता है अगर आप देखोगे तो. एंड पोस्ट श्रीराम कॉलेज सेकंड हाईएस्ट सीट इज इन दी भगत सिंह कॉलेज ओके. तो वहां पे इशू ये था कि मैंने जब लोगों से इंटरेक्ट किया या स्टूडेंट जितने भी थे उन लोगों से इंटरेक्ट किया थोड़ा तो व्हाट हैपेंड इवेंचुअली कि मैंने जाना कि सब लोग सीए कर रहे हैं एंड सेकंड ईयर के एंड आता था तो लोग आईपीसीसी भी क्लियर कर लेते हैं ना. एंड आई वाज नॉट अवेयर कि मैं करूँ क्या लाइफ में. सो दैट हिट मी अ वेरी हार्ड कि कुछ करना चाहिए. देन पीयर प्रेशर में मैंने भी सीए का एग्जाम भर दिया सीपीटी क्लियर भी कर लिया एंड देन आईपीसीसी का एग्जाम देने जा रहा था तो रजिस्ट्रेशन करने जा रहा था तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि मेरे को ना वो इतनी सारी बुक्स देख करके मैंने गिव अप कर दिया कि यार ये तो कभी पढ़ नहीं पाऊंगा है ना. CA के अंदर यू हैव टू रीड अबाउट द इनकम टैक्स ना. बहुत कुछ है मतलब इट्स नॉट ओनली बट इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ इट ना. या देयर इज अ सो इनडायरेक्ट एंड यू नो डायरेक्ट टैक्स वी हैव अ डिफरेंट इन दैट केस. तो वो मैं एक इसके अंदर एक एनेक्डोट इसके अंदर मैं भी बताता हूं ठीक है. व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट लर्निंग लॉ ना तो कई लोगों ने मुझे बोला कि टैक्सेशन के अंदर चले जाओ ठीक है. तो आई एम वेरी बैड विद डैट काइंड ऑफ नंबर्स की ठीक है. अगर कोई मुझे बोले ना कि डाटा सेट उठाना है एक्सेल उठाना है एंड इस तरीके की कैलकुलेशंस करनी है मेरे लिए तो पागल होने वाला काम है. सो मैं नहीं कर सकता उस चीज को ठीक है. Exactly. So, but still, I wanted to look at perspectives कि if I am doing law, तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए. सो यू नो कि वहाँ पे इनकम टैक्स का लॉ भी होता है ठीक है. तो मैंने सारे सारे मेन के मेन जितने भी एक्ट थे ना सारे देखने शुरू किए ठीक है. आई वॉज इंटरेस्टेड इन द आईपीसी आई वॉज इंटरेस्टेड इन सेबी लो ठीक है. आई वॉज इंटरेस्टेड इन सीआरपीसी एंड ऑल. फिर मैंने कहा ये इनकम टैक्स भी देखते हैं एक बारी. मैंने बेयर एक्ट उठाया 1600 पेजेस का था मैंने ऐसे बंद कर दिया. मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना. सो दैट हैपेंड विद मी टू. हाँ मेरे साथ भी एक जैसे आपने लॉ की बात करी ना तो दैट वन इंसिडेंट वेरी स्मॉल इंसिडेंट हैपेंड विद मी ऑल्सो. सो 12th एग्जाम खत्म करने के बाद व्हाट हैपेंड इज सो हम लोग ना क्या एक एग्जाम होता है क्लैट का ओके. क्लैट प्रिपरेशन होता है दिस इज अ NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम्स होते हैं ओके. सो मैंने भी वो एग्जाम दिया था ओके. सो व्हाट हैपेंड इज सो द बैड लक हिट्स वेरी बैडली यू टू यू है ना. तो उसमें क्या था कि 24 का कट ऑफ लिस्ट था ओके. 124 इज द मार्क्स दैट यू नीड ओके. माय स्कोर वाज 123 ओके. एक नंबर कम था मेरी कट ऑफ लिस्ट से. एंड जनरली क्या होता है ना कि जितने भी लोग आपसे ऊपर है ना उनमें से एक ना एक एडमिशन विड्रॉ हो जाता है कोई ना कोई नहीं लेता. इन माय टाइम किसी ने नहीं किया ओके राइट. तो है ना मतलब एवरीवन टुक दैट एडमिशन एंड मेरे को सीट मिला ही नहीं. मतलब इवन दो इफ आई गो इन अ बैड सबसे खराब वाले एनएलयू में भी चला जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. एंड उसमें ना ऐसा होता है यू गिव अ प्रेफरेंस ऑफ योर चॉइस कि आपको एनएलयू कौन से वाले में जाना है. सो आई वॉज इन द जोधपुर उस दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने अपना जो 12th है वो ग्रेजुएशन 12th जोधपुर से किया है ओके. सो जोधपुर एनएलयू इज द बेस्ट वन. मतलब अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना तो इज द बेस्ट. मेरा वही था कि मेरे को इसी में जाने का. बट अगेन दैट सिचुएशन कम्स कि वो भी मेरे से छूट गया है ना. तो वो भी मेरे से नहीं हुआ. मतलब मैं चाह रहा था कि चलो ये नहीं हो रहा तो लॉ कर लेते हैं ना वैसा वाला था जब मैंने ग्रेजुएशन सॉरी 12th पास किया तो लॉ कर लेंगे. फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ट्राई किया वहां पे इतना फीस देख करके आई सेट किया यार कोई मतलब नहीं करने का छोड़ देते हैं ना. सो दैट इज वन अनदर इंसिडेंट जो मेरे को यहाँ से डाइवर्ट किया कि तू कहीं और मत जा तेरे को इधर ही आने के बाद में है ना. सो ये भी हुआ. एंड देन पोस्ट दैट जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना ये पढ़ना शुरू किया स्टॉक मार्केट के बारे में. उसका जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ वो अगेन स्टार्ट हुआ दैट आई यूज टू गो फॉर अ ट्यूशन क्लासेस इन यू नो इन समवेयर इन दिल्ली ओनली. तो दैट आर टीचर यूज टू टीच स्टॉक मार्केट. तो उनसे मैंने थोड़ा सा नॉलेज लेना शुरू किया कि सर कैसे होता है ये सब है ना. तो ही टुक अ स्मॉल फीस एंड ही स्टार्टेड टीचिंग मी फॉर फ्यू डेज. उन्होंने 5-6 क्लासेस लिया एंड ही टॉक अबाउट कमोडिटीज मार्केट कि कमोडिटीज मार्केट देखो रात भर चलता है आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो गोल्ड में सिल्वर में ये सब चीजें. देन अगेन मेरे को सिचुएशन नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट में मार्जिन का भी कुछ कंसेप्ट होता है कि पैसा भी चाहिए होता है आपको है ना. देन आई स्टार्ट किया मेरे पास तो एक रुपया नहीं है मैं ट्रेड कैसे करूंगा है ना. तो सिचुएशन कम्स कि मैंने कहा सीख लेते हैं ना सीखने में कुछ नहीं है यू नेवर नो. तो मैंने उसके लिए स्टार्ट पढ़ना शुरू किया. तो आई स्टार्टेड विद फॉरेक्स इनिशियली. फॉरेक्स का थोड़ा बहुत स्टडी किया देन आई कम टू कमोडिटीज एंड बहुत लेटली मैंने इक्विटी मार्केट के बारे में जानना शुरू किया ओके. देन बाय द टाइम आई यू नो फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन 2013 में ओके.
मेरे को स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा नॉलेज था एंड आई टुक पार्ट इन यू नो जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना वहाँ पे तो आई यूज्ड टू हेड दैट तो अभी जो अगर आप जाकर के देखोगे शहीद भगत सिंह कॉलेज में तो वहाँ पे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी हमारे साल में 10 साल हो गए उसको राइट सो दैट दैट इज अगेन देयर सो उसमें हमने बहुत सारे ऐसे यू नो सिचुएशंस करी थी जहाँ पे हमने मॉक स्टॉक काइंड ऑफ गेम भी बनाए थे तो लोगों को अच्छे लगे थे वो सारे है ना सो दैट यूज टू हैपन वहां से मेरे को हिट लगा एंड देन स्टार्टेड केम इनटू दिस थिंग कि मुझे स्टॉक मार्केट ही करना है उसके अलावा कुछ नहीं करना एक बात समझ के देखना जिस टाइम पे हम लोग बात करते हैं ना पीरियड ऑफ 2010 टू 2020 जितने भी लोग ट्रेडिंग के अंदर आए थे ना उस टाइम पे मैक्सिमम केम ड्यू टू फॉरेक्स और दे केम ड्यू टू कमोडिटीज रीजन भी है ठीक है जब से ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शंस मार्केट में आई थी ना एंड दिस बूम ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकरेज थिंग ठीक है और यूट्यूब एंड एवरीथिंग जिसके अंदर डिस्काउंट ब्रोकर्स ने आके एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि वन क्लिक के ऊपर आप अपने अकाउंट ओपन करो दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज कमिंग इनटू इक्विटीज अदरवाइज देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब लोग सीधा जाते ही कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करने के लिए थे अंडरस्टूड ये तो पता है मेरे को ये तो आज के टाइम पे ऐसी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि ऑक्टा एफएस आ गया हुआ है फिर उसके बाद वो जो कुछ ऐसी एप्स हैं जो अपने आप को प्रमोट करती रहती हैं उस टाइम पे तो दीज ब्रोकर्स कमोडिटी ब्रोकर्स और फॉरेक्स ब्रोकर्स लाइक जियोजेट एंड और दे यूज्ड टू वर्क ऑन अ प्रीमियम एग्जैक्टली इनके पास जाना पड़ता था इनके पास जाना पड़ता था ये अपने ऑफिस में बुलाते होते थे ठीक है दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग ये तो इतना बूम आया उसकी वजह से नाउ एनीबॉडी कैन ओपन अकाउंट एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इक्विटीज आर बूमिंग हां एग्जैक्टली और मेरे साथ ऐसा हुआ कि रोहित सब जब मैंने सो पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था ओके सो बट व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई केम टू सो मैंने वेल्थ मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया सो आई हैव डिड इट फाइनेंस ओवररेटेड ना हां सॉरी पढ़ाई इज एनीवेज ओवररेटेड ना पढ़ाई इज ओवररेटेड सो जस्ट वांटेड टू यू नो गिव यू व्हाई दिस थिंग बिकम्स इजी फॉर मी ओके क्योंकि मैं ना पहले नहीं पढ़ता था ओके आई वाज नॉट अ स्टूडियस पर्सन बट इन व्हेन आई केम टू इन पोस्ट ग्रेजुएशन जहां पे वेल्थ मैनेजमेंट और मैंने एमबीए फाइनेंस दोनों साथ में किया सो दैट यू नो उसने मेरे को हेल्प किया ये सब चीजें समझने में स्टैट समझने में स्टैटिस्टिक्स या अदर स्टैंडर्ड डिविएशन ये सारी चीजें समझने में वहां से मेरे को ये चीज से समझ में आना शुरू हुआ कि ये सब इक्विटी मार्केट में कैसे यूज होता है आई एम स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सिक्स क्लास मेरे को कभी मीन ये सब नहीं समझ में आता था क्या होता है एवरेज क्यों निकालते हैं कभी नहीं समझा था ना देन आई व्हेन इनको मैंने जब यहाँ पे स्टडी किया ना कि अच्छा एवरेज से ये निकलता है एवरेज रिटर्न निकलता है ये निकलता है तब मेरे को समझ में आया कि हाँ यार इनका यूज है एक्चुअली किसी चीज का रिस्क कितना होता है समझ में आता है ना तो दैट उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आई वॉज अ टॉपर इन माई कॉलेज ओके उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे रोहित मैंने क्या किया बताए मेरे को मेरे जितने भी दोस्त थे ओके मोस्टली मेरे जितने भी फ्रेंड्स है दे टुक अ पैकेज ऑफ 8 लाख 9 लाख रुपीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को चाहिए था जॉब फाइनेंस स्टॉक मार्केट में तो मैं एक ब्रोकिंग फर्म में गया जहां पे उन्होंने मेरे को बुलाया था जस्ट फॉर अ रिलेशनशिप मैनेजर ओके दिल्ली में मार्केटिंग हाँ है ना जस्ट फॉर यू नो दिस हाँ तो मार्केटिंग के लिए तो मेरा जिसने इंटरव्यू लिया ना ही टुक माय इंटरव्यू फॉर 3 मिनट्स एंड ही सेड राहुल तेरे से सेल्स नहीं होगा ना ही लिटरली टोल्ड मी कि राहुल तेरे से सेल्स नहीं होगा मैंने कहा नहीं सर नहीं होगा है ना तो व्हाट ही डिड वाज कि ही वेंट इन समवेयर एंड ही केम बैक टू मी उसने बोला कि मैं तेरे लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ कमोडिटी एनालिस्ट का तू करेगा काम मैंने कहा सर क्यों नहीं करूंगा है ना तो उसने मेरे को बताया कि कमोडिटी एनालिस्ट में यू नीड टू सी दिस चार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स टेक्निकल एनालिसिस तो पढ़ लिया था मैंने तो उसने बोला कि ये सब चार्ट देख करके जो तूने अभी तक पढ़ा है वही तेरे को उस पर कॉल जनरेट करना है मैंने कहा कर लूंगा सर इट्स वेरी इजी है ना एक मिनट He didn't ask you for any certification and he simply said ki bas baith ke pehle technical he judged me on my knowledge actually maine padha na to usne mere ko pucha ki ye sab kya hota hai chart pattern batao ye sab kya hota hai wo sab okay. kya hota hai na to he took my interview okay. properly hai na fir usne mere ko wo andar gaya and he came back he said that ki you know ki yaar main tere liye ye profile banana tha junior hai na junior technical analyst ka profile banaunga karega maine kaha why not mere ko to aur bhi achhi baat hai main sales ke liye aaya tha mere ko ye profile milega i am very happy hai na he said lekin paisa nahi de paunga hai na कि पैसा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये प्रोफाइल मैं तेरे लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो यू आर वर्किंग एज ए इंटर है ना तो मैंने बोला सर सोच के बताना पड़ेगा उसने बोला नहीं सोचने का टाइम नहीं दूंगा इसी केबिन में सोचना है तो सोच नहीं तो नहीं है ना तो मैं घर पे भी नहीं बात कर सकता था ही सेड कि तेरे को अभी करने का है तो आई सेड कि यार विदाउट थिंकिंग अ सेकंड मैंने बोल दिया ठीक है एंड कैन यू इमेजिन कितना सैलरी उसने ऑफर किया था 8,000 रुपए मेरे को
सिर्फ 8,000 रुपए ऑफर किया था कि ये तेरा सैलरी रहेगा, इसके बेसिस पे मैं तेरे को सिखाऊंगा. एंड आई यूज टू गो टू ऑफिस अराउंड 12 to 10 शाम को, क्योंकि कमोडिटीज मार्केट पूरा चलता था ना. सो आई यूज टू सिट देयर, पूरा दिन बैठा रहता था. आई यूज टू सी द चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. वहां से मेरा लर्निंग शुरू हुआ. थिंग्स गोज फाइन. कुछ टाइम बाद मेरा थोड़ा सा ना इंटरेस्ट जाने लगा कमोडिटीज से उस पीरियड में, है ना. देन मैंने कहा यार ये कितने दिन करूंगा. सो वो होता है ना, वो एक आप सोचो 22-23 साल का एक लड़का है ना, जो सोच रहा होगा कि अपना करियर बनाने के लिए, तो ही कीप ऑन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि कहां जाऊं, है ना. देन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका. तो मुझे लगा कि बैंक ऑफ अमेरिका में जाएंगे तो शायद यार यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, एंड यू विल गेट लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई जॉइन बैंक ऑफ अमेरिका. ओके, तो बैंक ऑफ अमेरिका में गया. सबसे अच्छी बात वहां पे ये हुई कि दे टॉट मी डेरिवेटिव्स. ओके, उनका एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उन्होंने मेरे को डेरिवेटिव सिखाया. मतलब उन्होंने सारी चीजें सिखाई, इंटरेस्टेड डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव ऑप्शन, सब कुछ सिखाया उन्होंने मेरे को. डेरिवेटिव सिखा दिया और इक्विटी मार्केट अच्छे से सिखा दिया, तो मेरे को नॉलेज आ गया वहां से. मैं पहले दिन फ्लोर पे गया, तीसरे दिन अपने बॉस को जाके मना कर दिया, ये काम मेरे से नहीं होगा. क्योंकि वो बैकएंड का काम था सारा, है ना. मतलब यू नीड टू जस्ट डू कॉपी एंड पेस्ट, और आपको रिकंसिलिएशन करना था. वहां पे फाइनेंस का नॉलेज का जरूरत ही नहीं है. इवन इफ यू डोंट हैव अ फाइनेंस नॉलेज, आपको आप कर लोगे काम. आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग, बट वो काम ही ऐसा है, मतलब मेरे से नहीं होगा. इट्स लाइक दैट, है ना. काम अच्छा है. दे यूज्ड टू डू अ मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस. आपने कमोडिटी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के बारे में सुना होगा, राइट. ओके, एंड सीडीएस के बारे में सुना होगा. तो हम लोग उसका रिकंसिलिएशन करते थे. बैंक यूज टू ट्रेड आपस में, और उसका हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज रिकंसिलिएशन करते थे. दैट वॉज माई वर्क, है ना. तो तीन दिन में जाकर के आई सेड कि मेरे से नहीं होगा, मेरी बॉस को. तो मेरी बॉस सो मीरा करके नाम है उनका, वो थी. उन्होंने मेरे को केबिन में ला के खूब डाटा उस दिन, है ना. सी सेड कि तुम्हारा भी करियर स्टार्ट नहीं हुआ, एंड यू यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स वगैरह वगैरह. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कहा नहीं होगा. तो उन्होंने बोला एक साल काम करो, उसके बाद मैं जाने दूंगी, है ना, ऐसा करके. तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती रुकवा करके काम किया. व्हाट गुड थिंग हैपेंड विद मी देयर कि मेरे को एक्सेल चलाना आ गया. तो बैंक ऑफ अमेरिका में मैंने दो चीजें सीखी, है ना, एक्सेल चलाना अच्छे से आ गया, और मेरे को डेरिवेटिव्स का नॉलेज आ गया. सो दिस इज हाउ माय लाइफ वाज बिल्डिंग. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये सब बिल्ट हो रहा है मेरी लाइफ में, है ना, उस टाइम पे. तो धीरे धीरे ये कौन से ये कौन सी ईयर की बात है, ये 2015 का बात है. 2015 क्योंकि 14 में मैंने एक साल वहां पे काम किया था कमोडिटी एनालिस्ट, देन आई लेफ्ट इट. तो वहां पे फिर 15 में मैं बैंक ऑफ अमेरिका बैंक में आ गया था. तो एक साल बाद मैंने वो भी छोड़ दिया बैंक ऑफ अमेरिका 16 में, है ना. 16 में फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था दिल्ली में ही. ओके, सो वहां पे दे नीडेड टेक्निकल एनालिस्ट. तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो और हु कैन जनरेट अ कॉल्स. तो पूरा एडवाइजरी फर्म था वो. ओके, बट यहां पे यू नी सी आई विल टेल यू वन थिंग. When you were telling me these things ना, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे ऐसा होता था. आजकल के टाइम पे तो इफ यू हैव टू जनरेट सम टाइप ऑफ कॉल, देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ कंप्लायंस, देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन. बट नाउ लुकिंग बैक, बिकॉज मैं बताता हूँ उस टाइम पे क्या होता था. बिकॉज मैं उस टाइम पे बहुत ट्रेडिंग करता होता था, ठीक है, 2010-2012 की बात कर रहा हूँ, ठीक है. So, ये जो जितने भी उस टाइम पे लोकल ब्रोकर नहीं होता था यहाँ पे, जो लोकल ब्रोकर होते थे ना, वो बड़े छोटे छोटे ब्रोकर होते थे, बनाजा ऑनलाइन, फलाना टमकाना. जो अच्छे ब्रोकर थे लाइक वेंचुरा हो गया, IIFL हो गया, जियो जेट हो गया, दे यूज्ड टू बी इन आइदर चंडीगढ़ और आइदर दिल्ली, ठीक है. एंड दे यूज उनके जब RM हमारे पास आते थे ना, एट दैट टाइम दे यूज टू डिमांड एडवांस्ड ब्रोकरेज. आप हमें इतनी ब्रोकरेज दो तो इतनी लगा के देंगे, ठीक है. बेनिफिट क्या उस चीज का. एंड दे यूज टू से हमारी इतनी हाई रिसर्च टीम है, वहां से आपको कॉल्स आएंगी, वो आपको ट्रेड करवाएंगी. और मैंने उस टाइम पे इतना पैसा लुटाया वहां पे, मतलब वन अकाउंट, ठीक है. मुझे अभी तक याद है एक टाइम था जब इंडिया वुल हाउसिंग फाइनेंस, आई डोंट नो वही स्टॉक था, 138 रुपए पे चलता होता था. आई स्टिल रिमेम्बर 153 पे दे गेव अ कॉल कि ये ऊपर जाएगा. अभी हमारा अकाउंट खुले हुआ फर्स्ट दिन हुआ था, उसने 153 पे बाय करवाया, 145 का स्टॉप लॉस दिया. बीच में कहीं पे BSNL का नेट बंद हुआ, मेरा हुआ लॉस. मैंने कानों को लगाया हाथ, मैंने कहा इनकी बात अब मैंने दोबारा नहीं सुननी. बट इट यूज्ड टू बी इट मींस शेडी बैक देन ना. एग्जैक्टली. सो इट दिस हैपेंस एक्चुअली. सो वहां पे भी जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो दे आस्क्ड मी टू डू अ सर्टिफिकेशन, और उन्होंने सेबी रजिस्ट्रेशन ले लिया था अपना. ओके, ओके. हुआ क्या था ना कि इशू ये था कि पहले नहीं था, बट लेटली दे टेक इट. ओके, तो हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, वी वर ग्रोइंग वेरी गुड, और हम लोग ना कुछ अनएथिकल नहीं करते थे उसमें. वी यूज टू बी वेरी गुड विद दिस. एक्यूरेसी भी ठीक ठाक ही आता था, इतना कुछ खराब नहीं बोल रहा मैं कि बहुत ज्यादा नुकसान करा दे. यस, देर आर बैड मंथ्स वेर यू लूज. ओके, बट वी हैव रिकवर्ड लॉट ऑफ मनी ऑफ पीपल, है ना. कभी ऐसा किसी ने बहुत गंदा शिकायत नहीं किया कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा.
बट अगेन व्हाट हैपेंड इज उस केस में उसी चक्कर में एक बार सेबी ने मुझे बुलाया भी था. आई हैव बीन टू सेबी ऑफिस लखनऊ वाले में, है ना. सो तो आई हैव बीन टू, मैंने कहा मेरे को तो कुछ पता भी नहीं, सो मैं तो किसी के अंडर काम कर रहा हूँ ना. ही सेड क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट को बुलाया तो रिसर्च एनालिस्ट को जाना पड़ेगा. मैंने कहा मैं क्या जाके बात करूंगा, तो मुझे पता भी नहीं, पता नहीं क्या पूछेंगे, है ना. तो और मैं वैसे डर के रेगुलेटर का नाम सुन के रेगुलेटर रिसर्च एनालिस्ट को बुला रहा है. तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है ओके चला जाता हूँ. मैं गया सेबी से, है ना. तो उन्होंने कुछ पेपर, हमारे जो रजिस्ट्रेशन का पेपर था वो निकाला, उसमें से कुछ दो तीन चीजें पूछी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. मैंने कहा दिस इज द थिंग्स, ये सब चीजें. तो बोलते हैं कि ठीक है बस ये पूछना था, इसी का क्लैरिफिकेशन चाहिए था और कुछ नहीं. मैंने कहा ओके ठीक है. तो मैं आ गया. तो मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था, इट्स जस्ट आई डोंट नो दे हैव सम इशू विद सम लाइन दे हैव रिटन ऑन दैट. ओके वो पेपर होता है उसमें कुछ लाइन लिखा था, वो उनको समझ नहीं आ रहा था. तो बोला कि रिसर्च एनालिस्ट को ही बुला, वही बताएगा, और उसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं था. मैंने कहा ओके ठीक है. तो मुझे लगा कि कुछ सीरियस हो गया है ना, इसलिए मैं गया. बट nothing serious, right? Okay. But then, how did you venture into your own trading then? अपनी trading में कैसे घुसे थे? 2016 was a transforming year for me. Okay. When I joined that company ना, okay, मेरे को था कि मेरे को knowledge थोड़ा सा कम है. मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को यार इतना अच्छा करने के लिए बाजार में मेरे को technical analysis का knowledge नहीं है. मेरे को भी वही basic knowledge आता है जो पूरी दुनिया को आता है. How will I, you know, go ahead with these people जो already market में इतने लोग analyst हैं? तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया सीखने के लिए, ओके, दिल्ली में, ओके, कि मेरे को टेक्निकल एनालिस्ट एडवांस सीखना है. तो वहां मैं जाकर के एक पर्सन से मिला, है ना. उनका नाम लेने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, अशोक जैन करके नाम है उनका, है ना. मतलब उनके अंडर आते ही ना मेरा लाइफ चेंज हो गया. मतलब ही वाज अ ट्रेनर देयर. उनका एज अभी 75 है राइट नाउ. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका 75 होगा. उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था व्हेन ही वाज 21. ओके कैन यू इमेजिन, मतलब वो मेरे दादा की उम्र के हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आप ऐसा सोचोगे तो, है ना. बट उन्होंने मेरे को जो सिखाया, मतलब आई जॉइंड हिज वन सेशन, मतलब एक बैच उनका ज्वाइन किया, और वो एक दिन में तीन सेशन लिया करते थे सेकेंड वीकेंड्स में, सैटरडे संडे. ओके तो मैं तीनों में बैठ जाता था, मैं तीनों में सेशन में बैठ जाता था. तो मेरे को क्या हुआ, उनके सेशन खत्म होने से पहले सब कुछ आ गया. मैंने हर चीज बहुत दो दो बार तीन तीन बार करके सीख ली. तो एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने ना मेरे को क्या देखा कि ये बंदा हर क्लास में बैठा रहता है, है ना. तो उनको ना सुट्टा मारने की आदत थी थोड़े थोड़े टाइम में. तो व्हाट ही डेड की ही टुक दैट, बोले कि राहुल तू आके खड़ा हो जा एंड आई एम गोइंग फॉर अ यू नो सुट्टा, जस्ट इनका क्वेरी देख लेना अगर कुछ हो तो. तो मेरे को नहीं पता था, आई डोंट नो ही सी समथिंग इन मी, आई डोंट नो. मैं बताता हूँ क्या हुआ फिर उसके बाद, है ना. ही केम, वो चले गए दो मिनट के लिए. उनको सुट्टा नहीं मारना था, उनको मेरे को वहां खड़ा करना था एक्चुअली, राइट. तो ही यू नो पुट मी देयर एंड बोला कि जो जो उनका क्वेरीज है देख ले और समझा दे इनको, है ना. तो मैंने सबकी क्वेरीज भी हैंडल कर ली बहुत प्रॉपरली और समझा भी दिया जिनके डाउट्स थे, है ना, इजीली. तो फिर वो आए, फिर सर आके पूछे कि हाँ बताओ किसका डाउट है. तो सबने बोला कि नहीं राहुल ने हैंडल कर लिया, आप अगला कंसेप्ट शुरू कर दो, है ना. तो बड़े खुश हो गए सर, है ना. तो मेरे को बाहर बुलाया, है ना, कि मैं तेरे को ना वहां पे खड़ा करना चाह रहा था बिकॉज आई सी दैट यू आर अ गुड टीचर. ओके मैंने कहा सर आपने कैसे देख लिया, है ना, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बोला कि यू आर अ गुड टीचर और वैसा वैसा करके, है ना. बोलते मैंने देखा तेरे अंदर, है ना. तो बोलते एक दो दिन और ऐसे करके देख, मैं और कुछ चीजें टेस्ट कर रहा हूँ तेरे ऊपर, अगर ये चीज अच्छी हुई ना तो मैं तेरे को यहाँ पे मतलब काम दिलवा दूंगा, मतलब यू बिकम अ ट्रेनर हियर. ओके मैंने कहा सर ठीक है ट्राई करते हैं. तो उन्होंने मेरे को दो तीन दिन सेशन और दिए, फिर उन्होंने मेरे को वो भी अपनी सीनियर के पास लेके गए. बोलते कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इससे बात कर, है ना, और इसको ना काम दे, है ना. तो क्योंकि मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड हो रहा है, तो ही सेड कि इसको थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू करके एक एक सेशन देते, दो दो सेशन करके, है ना. तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी मेरे को बोला पैसा नहीं दूंगा पहले, है ना, छह महीने तेरे को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना. तो मेरे को किसी ने एक्चुअली इनिशियली पैसा नहीं दिया है काम के लिए, है ना. आई डिड इट वेरी लॉट ऑफ वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. बट आई एम थैंकफुल फॉर देम दीज पीपल, है ना, जिन लोगों ने मेरे को ये चीज बोली ना कि पैसा नहीं दूंगा. अगर वो पैसा देते तो शायद मैं काम नहीं करता. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, होता ही ऐसे है एक्चुअली. तो उन्होंने बोला किसी भी बिजनेस में जाते हो आपको बेसिकली पता ही नहीं होता कि उस बिजनेस को करना किस तरीके से है. उस टाइम पे व्हेन वी आर इन डैट मोमेंट जहाँ पे हम लोग जॉब सीकर हैं, हमें लगता है कि यार पता नहीं हमारे साथ कितना बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इनजस्टिस हो रहा है, हमें पैसे भी नहीं दिए जा रहे, हमसे काम नहीं किया जा रहा. बट यू आर नॉट एक्चुअली ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल. एग्जैक्टली, यू आर एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम देम. हाँ मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है सर मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ वीकेंड वीकडेज पे, वहां से पैसा आ रहा है जितना भी आ रहा है, 30-40 हज़ार रुपए जितना भी आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को आप जितना भी दोगे चलेगा, नहीं भी दोगे तो चलेगा, मैं तो वीकेंड पे वैसे भी आता हूँ सीखने, है ना. तो उन्होंने मेरे को लगा दिया. तो उनका मोस्टली काम मैंने टेक ओवर कर लिया, मतलब उनका जो सिखाते थे ना सेशन, उनके बेसिक्स से शुरू वाले मैंने लेना शुरू कर दिया सेशन. एंड
उनका उनको फिर वो थोड़ा एडवांसेस में मूव कर गए है ना, तो उनका बहुत अच्छा नॉलेज है इलियट वेव में, ही इज वेरी गुड है ना। तो सारा कंसेप्ट जो इलियट वेव का उन्होंने मुझे सिखाया है दैट इज मेरे को उन्हीं से आया सारा चीज है ना, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दैट थिंग फ्रॉम देयर ओनली। और बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने, ये जितने भी पुराने लोग हैं ना जो मार्केट वेटरन्स हैं, वन थिंग आई हैव सीन इज दे आर दे वेरी मच जैसे कहते हैं ना कि हाथ रख के कसम खाते हैं ऑन इलियट वेव फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उनको बोलने के लिए यही रहा कि सर आप बोल रहे हो तो करता होगा, मेरे को मानना पड़ेगा, मैं डिनाई ही नहीं कर सकता फैक्ट, क्योंकि उनकी व्यूअर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट राहुल हैज बीन practically using Elliott wave analysis for the last 10 years. In the last 2-3 days, I was looking for someone who can take a session on Elliott wave analysis and Fibonacci retracement for support and resistance. I understand the concept, but I have never gone into the intricacies of it. And that's how I came to know ki apart from FNO analysis, Rahul jo hai, wo Elliott wave ko bhi karta hai. And we are going to do that sometime in future. मेरा मेरा प्राइमरी फोर्टे ना रोहित क्या है, मेरा प्राइमरी फोर्टे टेक्निकली है। व्हाट आई डिड इज एक्चुअली मेरी लाइफ के साथ एक ये अच्छा भी है कि बुरा भी है। अच्छा ये है कि मैंने ऑप्शंस बहुत लेटली सीखा बिकॉज मेरे को बहुत सारी चीजें आ गई, पहले सीख लिया होता तो शायद हाँ। और दूसरी चीज की बुरा ये है कि मगर मैं सीखता पहले तो मेरे को नुकसान नहीं होते जो मैंने बीच में लिए अपनी लाइफ में बड़े बड़े। दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट दैट हैपेंड विद मी। ओके सो यहाँ से मेरा ट्रेडिंग करियर शुरू हुआ, अभी मैं आता हूँ उस चीज पे कि यहाँ से मेरा ट्रेडिंग करियर शुरू हुआ। मैं आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो और मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने ट्रेड करना शुरू किया था बिकॉज आई स्टार्टेड अर्निंग है ना। 2016 में आपका ऑप्शन शुरू हुआ था अप्रैल के आसपास बैंक निफ्टी में। ओके दैट वॉज अ टाइम एंड दैट वॉज माई फर्स्ट बैच व्हेन आई जॉइन द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, उसी से शुरू हुआ था मेरे को इसलिए याद है वो डेट भी है ना। तो वहां से हम लोगों को थोड़ा मेरे को आइडिया लगा था कि ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस के अंदर है ना, ऑप्शंस भी सीखा था मैंने वहां पे। ओके तो मेरे को नॉलेज हो गया था हर चीज का एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। बहुत छोटा छोटा ट्रेड करता था। मेरा पहला ट्रेड अलाहाबाद बैंक का फ्यूचर होता था एक, राइट? अलाहाबाद बैंक भी था हमारे पे, वो मर्ज हो गया, राइट? उसका मैंने ऑप्शन खरीदा था है ना, उसका एक मैंने पहले ऑप्शन खरीदा था 5,000 रुपए लगा करके, एक ऑप्शन खरीदा था 10 पैसे का था या कुछ 5 पैसे का था है ना, और स्टॉक 10-15 दिन में चल गया अच्छा खासा एंड दैट 5,000 टर्न इनटू 35,000 रुपीज, तो 4 रुपए के आसपास काटा मैंने कहीं पे है ना। वो मेरा पहला ट्रिगर था कि भाई ये करना चाहिए है ना अब तो, क्योंकि मैंने महीने भर का सैलरी 2 दिन में कमा लिया था है ना। आपको नहीं, आपको याद होगा जो इस चीज को सुन रहे हैं ना, मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, ठीक है? जो भी बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आता है, मार्केट उसको एक यू टर्न देती है ऊपर को। एग्जैक्टली, तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट अप है ना। हाँ, पहला ही था, मतलब वो पहला था और आखिरी था, मतलब मेरा कैसा था कि पहला ही था आखिरी था है ना, मतलब वो मेरे को उसके बारे में लाइक दिस। हाँ, मेरे को दिखाया कि देख पैसा बना सकता है तू, और अगले सेशन में मेरे को उठा के पटक दिया। मतलब ऐसा क्या, वो 35,000 मैंने निकाला और मैंने अलग अलग ऑप्शंस में लगा दिया। थीटा डीके होता है पता ही नहीं था, ऑप्शन टूटता है पता ही नहीं था ना, ये तो किसी ने सिखाया नहीं है ना। वहां बस होता है कि कॉल ऑप्शन नहीं होता, खरीद लेना चाहिए, बाजार ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा है ना, वैसे ही चल रहा था माइंड में। ऑप्शन खरीद लिया, 4-5 ऑप्शन खरीद लिए 5,000 के, वो दूर दूर रोटियां वाले, कोई नहीं चला, सब जीरो हो गया। तो अगले महीने सब जीरो, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हार्ड लक, दोबारा ट्राई करते हैं ना, ऐसे करके। तो एक साल मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि यार ये नहीं हो रहा। फिर उसके अंदर उसी टाइम पे हम लोग क्या करते थे हमारे ऑफिस में, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क देयर, 5-6 लोग टेक्निकल एनालिस्ट थे ना, सब लोग ही थे। कुछ लोग कहीं पे काम करके आए थे, कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोगों को मैंने सिखाया अपने अंदर है ना करते करते। तो हम लोग 6-7 लोग थे, सबका ओपिनियन लेते थे कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कौन सा ऑप्शन खरीदना बताओ, कॉल खरीदना, पुट खरीदना है ना, सब लगाएंगे है ना, और सब लगाएंगे, जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, वो करते थे ना रोज, किसी का बन जाता था। This used to be a fad. This used to be a fad. एक टाइम पे it was a fad कि predict करो मार्केट कहाँ जाएगा। एक एक मतलब इसके ऊपर रिसर्च बड़ी की हुई है लोगों ने कि क्या पहले से पता चल सकता है कि मार्केट एक्सपायर कहाँ करेगी। कई ऐसे ब्रोकर हाउसेस थे जिन्होंने अपने थर्सडे को सही जगह पे प्रिडिक्ट करने के कि मार्केट कहाँ प्रिडिक्ट हो सकती है, उसके गिफ्ट्स निकाले होते थे कि अगर आपने सही प्रिडिक्ट कर दिया इतना ब्रोकरेज के ऊपर छूट मिलेगा आपको। इट्स लिटरल, वो कहीं पे भी जा सकती है। फिर वहां से मैक्स पेन का कंसेप्ट निकला, वहां से पीसीआर के कंसेप्ट निकले, फिर वहां से ओपन इंटरेस्ट निकला, बट आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि कहां जाएगा।
कंसेप्ट तो पहले से ही था, लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम, यूज करना शुरू कर दिया सारा ना, तो इसके 10 पॉइंट 20 पॉइंट के अंदर अंदर क्लोज होगा, है ना, मैक्स पेन का 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे का रेंज निकाल लो इसके अंदर ही क्लोज होगा। सो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक वी यूज्ड टू डू, और नहीं तो कभी मारते थे कि यार चल गया तो चल गया, नहीं तो 3000 रुपए जा रहे कोई बात नहीं, है ना, ऐसा करते थे। सो दिस व्हाट वी हैव डन। ओके, तो इशू ये था कि मैं वहां पे सीख रहा था, एक तरफ सीख भी रहा था और एक जगह मैं वो प्रैक्टिकल यूज भी कर रहा था, है ना। मैं वर्किंग में अपनी लोगों को कॉल्स देने के लिए मुझे वो नॉलेज यूज करना था, तो मेरा साइमल्टेनियसली यूज हो रहा था और मैं थोड़ा थोड़ा अपना ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया था पीछे। देन आया डे 2017 में 22nd June। ओके, मेरे को डेट याद है, और आपने इंडिया बुल्स का नाम लिया था, तो वो भी इंडिया बुल्स का ही स्टॉक है, आईबी रियल एस्टेट। वो पहले था, अभी नहीं है, वो एवेंडो में नहीं है, है ना। तो इसने बड़े कांड कराए हुए हैं इस स्टॉक। हाँ, तो आई एम द वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दैट आल्सो, है ना। उसमें अब आप क्या होता कि मेरे को इसी दौरान मेरे को क्या पता चला कि पैसा तो नहीं था हमारे पास ट्रेड करने के लिए। ओके, एक बहुत ऐसी बात बोलूंगा, है ना, कि पैसा इतना नहीं था, तो लोग बोलते थे कि काम करो डब्बे में ट्रेडिंग कर लो, है ना। ओके, अब डब्बा ट्रेडिंग आज तक नहीं की डब्बा ट्रेडिंग, मुझे बहुत कम आइडिया है। आपको, हाँ, नहीं करी तो आपको शायद आइडिया होगा, नहीं होगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आई डोंट नो कितने लोग जानते होंगे। तो डब्बा ट्रेडिंग ऐसा होता है कि इट्स अ एक पेपर है, एक नंबर दिया जाएगा आपको, आप उस पर कॉल करो एंड टेल हिम कि मेरा एक अकाउंट है आपके पास, है ना। नंबर से पता लगा लेते हैं, वो उनके पास अकाउंट लिखा होता है, बोलते हैं कि मेरे लिए गोल्ड बाय कर लो, आपने बोला बस मेरे लिए स्टॉक बाय कर लो, मेरे लिए फ्यूचर बाय कर लो, ऐसा करके, है ना। तो बस वो पेपर पे लिख लेता था। ओके, और किसी का सेल का सौदा आएगा तो वो भी लिख लेगा कि किसी ने बेचा होगा, और जितने सौदे नेट में अगर कट गए ना दिन में सौदे इंट्राडे वाले, तो वो नेट उसको जीरो कर देते थे, और जितने बच जाते थे उसको वो रियल मार्केट में बाद में उतार देते थे, तो या अपने बुकी को भेज देते थे, उनका ऊपर हेड होता था, है ना। तो दे यूज टू डू सम काइंड ऑफ दिस मैनेजमेंट। ओके, तो मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं यार, पैसा तो नहीं है, बन तो रहा है पैसा अपना, तो अपना पैसा क्यों लगाए, वहां पे लगा देंगे। तो आई स्टार्टेड विद दैट, है ना। तो वहां पे पैसा बनाया मैंने, ऐसा नहीं है, शुरू में पैसा अच्छा खासा बन रहा था, फ्यूचर्स आई यूज टू टेक, पैसे बने मेरे अच्छे खासे, ना मैंने 1.5-2-3-4 lakh भी बनाया वहां से, है ना। फिर हुआ क्या, इट वॉज लाइक अनऑफिशियल ट्रेडिंग और बेटिंग बेस्ड अपॉन द रियल मार्केट। बस हाँ, जो हाँ आपका प्राइस दिख रहा है मैंने उस पर लिख लिया और उसको सेटल कर दूंगा 7 दिन के अंदर अंदर, है ना। मतलब जो भी है वीकडे पे सेटल, वीकेंड पे सेटल हो जाता था। मतलब अगर आपके आपने 50,000 रुपए अर्न किया तो आपको 50,000 रुपए आ जाएगा। ओके, और अगर आपको नुकसान है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपके घर आके भी लेके जाएंगे वो, ऐसा होता था, है ना। वैसा वाला केस है ना, इट्स अ वेरी रिस्की गेम ऑल्सो, है ना। तो क्या होता था कि मतलब आपको बोलेंगे कि अच्छा आपका इस महीने का M2M है 1.5 lakh rupees, तो चांदनी चौक में इस शॉप के अंदर जाओ, नीचे जाकर के बोलना ये है, वहां पे पैसा मिल जाएगा आपको। सो वो हवाला भी करते थे। सो दीज आर ऑल थिंग्स, इसमें पढ़ना नहीं, मैं तो किसी को भी बोलूंगा पढ़ना नहीं, दिस गोज वेरी यू नो बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी अपना पैसा खत्म कर चुके हो, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू आर डूइंग डब्बा ट्रेडिंग, अगर आपका M2M लॉस हुआ, अगले बंदे फिर तो मारपीट करके भी निकालेंगे उसको कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज है ना कि पैसा खत्म हो, आपको करना ही नहीं है, मैं तो ये रिकॉर्ड करना ही नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं करना, बिल्कुल टच नहीं करना। एग्जैक्टली, सो यू आल्सो फेस्ड अ ड्रॉडाउन फेस, यू आल्सो ब्लू योर अकाउंट, कितनी बारी किया ऐसा? 2016 से 17 के बीच में 5 बार। ओके, और फिर उसके बाद 5 बार, है ना, हर दूसरे महीने में। ओके, एंड सेकंड चीज, जो मेरा 2017 वाला एक लॉस था, क्योंकि मैंने बड़े लॉसेस नहीं देखे थे, आई यूज टू, अब ऐसा किया कि मैंने मान लीजिए 20,000 रुपए डाला, 20,000 का 40,000-50,000 रुपए बना लिया, फिर पूरा लॉस कर दिया, ऐसा करता था, है ना। मतलब इससे ज्यादा मेरा होता नहीं था, कभी कभी 1 lakh बना फिर 0 कर दिया, ऐसा करके यही कर रहा था मैं, है ना। तो मैंने नेट में कुछ कमाया नहीं, ये हमारे बिगिनर्स की पेट मूव होती है ना। हाँ, तो मतलब एक बेसिक कंसेप्ट है, वही लोग फॉलो करते हैं ना, और वही चीज हर कोई फॉलो कर रहा है। मेरे साथ ये था कि आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, मेरे को लूज करना था, वेरी कंसिस्टेंट इन लूजिंग, है ना। तो मुझे उसके लिए पैसा लेके आना है और मेरे को गंवाना है, ऐसा था मैं, है ना। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मैंने इस चीज को 6-7 साल दे चुके हैं, मैं कुछ और नहीं करना चाहता था। ओके, तो 2017 में व्हाट हैपेंड इज दैट कि वो 22nd जून वाला जो इशू था, मैंने खरीदा था आईबी रियल एस्टेट का 5 lot। 5 lot मतलब 10,000 quantity, मतलब एक लॉट में 10,000 quantity, तो 50,000 quantity मेरे पास पड़ा था। ओके, एंड व्हाट हैपेंड, द स्टॉक आई बॉट इट समवेयर अराउंड 190 के आसपास खरीदा था, एंड इट वेंट अप टू 195। ओके, उस दो दिन में, एक दिन में चला गया था, एंड सडनली क्या हुआ ना, इट क्रैश्ड सेम डे, वो 194 से 170 तक गिरा एक दिन में। तो 20 रुपए गिरा, तो आप सोचिए मेरे को कितना लॉस आएगा, राइट? 20 उसमें ना 20-40 रुपए गिरा था वो 194 से, सॉरी 200 चला गया था वो, 200 से सीधा इट केम टू 170,
मेरे को कम से कम उसमें अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास नुकसान आ रहा था. ओके क्योंकि मैंने दो एक्चुअली एक पोजीशन मेरा भी था और मैंने एक साथ में एक बंदे के भी लिया था, तो कंबाइंड पोजीशन भी था उस चीज के अंदर. okay. तो मेरे को मेरा मिला करके उसका मिला करके नेट में 7 लाख का नुकसान था. और व्हाट हैपेंड इट केम टू 170 और थोड़ा सा रिकवर किया. मैंने उस ब्रोकर को बोल के फोन काट दिया, मैंने कहा कि पोजीशन काट दो मेरी, है ना. तो वो 7 लाख का जो नुकसान आया था मेरी लाइफ में, वो मेरे पास था भी नहीं पैसा भरने के लिए, और मुझे उस ब्रोकर को देना था. okay. और वो भी डब्बे वाले को. तो कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन आई वाज इन, इन की मैं अब यहां से, तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन था और बहुत गंदे थॉट्स भी आए थे कि लाइफ को लेकर के कि ये सब कर देते हैं, ये सब कर देते हैं. मैंने कुछ भी नहीं किया. आई थॉट कि यार इसको हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, है ना. अगर मार्केट ने पैसा लिया ना तो दे भी देगी, है ना. इतनी बुरी नहीं है मेरे साथ, गॉड इतना गलत नहीं हो सकता, है ना. तो आई थॉट कि ठीक है कोई बात नहीं. आई समहाउ अरेंज द मनी एंड आई पेड देम. ओके मैंने कैसे कैसे करके पे कर दिया उनको, है ना. कि मैंने कहा ठीक है गिव मी सम टाइम. मेरा अच्छा रिलेशन था तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उनको भी पैसा कमा करके दिया, है ना. तो दे वर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद मी. कि ऐसा बोलते नहीं थे कि अभी दो आपसे निकलवा लूंगा, ऐसा नहीं था. सो उस ब्रोकर को भी मैंने कमा करके दिया. वो मेरे से पूछता था कि सर क्या खरीदू, तो मैंने उसको पैसा कमा करके दिया, ऐसा नहीं था. तो ही सेड कि कोई बात नहीं. एंड अच्छा रिलेशन भी था मेरा. उसने बोला कि सर आप दे देना, कोई तकलीफ नहीं है, मैं भर देता हूं अपनी तरफ से, आप मेरे को क्या कहते दे देना आराम से. मैंने कहा ठीक है. मैंने दैट्स अ वेरी बिग थिंग यार, टू यू नो पे 6-7 lakh फॉर समवन, दैट्स नॉट एन इजी जॉब. एंड व्हेन यू आर अर्निंग ओनली 30-40,000 रुपीस. या तो मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसको पे किया. एंड देन आई थॉट कि यार अब इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना. सो दिस दैट वाज अ टाइम वेयर माय लाइफ केम टू अ हॉल्ट. कि अब यार इस चीज को छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, है ना. और ये भी छोड़ देंगे, है ना, कुछ और जॉब ढूंढ लेंगे, कुछ और कर लेंगे. दिमाग में ये आता है, दिमाग में हमेशा आया था कि मैं छोड़ दूं. फिर मैंने सोच करके बैठा, मतलब ऐसा मैंने बहुत लोगों से डिस्कस भी किया, है ना. तो घर पे नहीं बोल सकता था, मेरे घर वाले कभी इसके फेवर्स में थे ही नहीं ट्रेडिंग के, है ना. मतलब मैंने अपने पापा को बहुत शुरू में बोला था कि मैं नहीं करूँ, ही वांट मी टू बिकम या तो ये नहीं तो कुछ सरकारी जॉब कर लो कहीं पे, है ना. तो ऐसा करके उन्होंने बोला वहां पे करोगे तो तुम यार, तो मेरे को उन्होंने कैलकुलेशन गिनवाई विच इज वेरी गुड. तो उन्होंने बोला कि अगर तुम 2012 में पढ़ना शुरू करते, 2013 में कहीं कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लेते, तो 6 साल में तो तुम्हारे 3 प्रमोशन हो चुके होते, है ना, 2018 तक आ चुके हो. तो ही इज वेरी राइट एट हिज पॉइंट, है ना. तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अभी तक तुम कितना इतना ही कमा रहे हो, कुछ नहीं है. तो मैंने कहा कि पापा मेरे को आपसे मैंने 10 साल का टाइम मांगा था, उसके बाद जो बोलोगे कर लूंगा. 10 साल में तो सारी सरकारी जॉब का टाइम ही निकल जाता वैसे भी, है ना. तो 32 साल की एज होती है. हाँ तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कहा ठीक है. उस टाइम पे मैंने जाकर के बोला कि मैं अब कुछ और नहीं कर पाऊंगा, मेरे को करना तो यही है, आई विल डू एनीथिंग बट दिस. वहीं पे करना शुरू करूंगा, है ना. सो आई स्लो, मैं उस टाइम पे मैंने वो 18 के बाद मैंने ट्रेडिंग थोड़ा सा छोड़ दिया था. मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं था वो चुकाने में था, तो मैंने ट्रेडिंग नहीं किया उस टाइम पे. आई स्टार्टेड डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स. मैंने सीखा कि मैंने गलती क्या कर रहा था, कि मैंने वहां पे ऑप्शंस नहीं सीखा था डिटेल में, पहली चीज वो थी. दूसरी चीज मेरे को ट्रेड नहीं पता था करना क्या. okay. समझ रहे हो, मैं बस रैंडमली ले रहा था. अच्छा ये स्टॉक भाग रहा है ले लो, कुछ देखा ब्रेकआउट कर रहा है ले लो, है ना, सपोर्ट से घूम रहा है ले लो, है ना, बस ऐसा कर रहा था. वहां से मैंने कंसेप्ट को बिल्ड करना शुरू किया, इलियट वेव को अपनी प्रैक्टिस में लाया कि अब इसको यूज करने का, है ना, कैसे काम करता है ये सारी चीजें. सो दैट वॉज दैट हैपन्स. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड इज दैट कि जैसे ही मैं 19 में हम लोग एंटर किए, 2019 और 19 का एंड आया, तो कोविड ने हिट किया, राइट. कोविड जैसे आया तो हम लोग सब घर पे बैठ गए थे. एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट कि मेरे को बहुत जगह से अपॉर्चुनिटी आया कि वी नीड अ ट्रेनर जिनको सिखाना है. तो मेरे को सबने बोला, मैं ऑलरेडी दिल्ली में पीपल यूज टू नो मी, है ना. मतलब दिल्ली में इज लाइक दिस कि अशोक जैन के बाद राहुल सर इज सेकंड वन, इज बेसिकली जिनको बहुत है. एंड अशोक सर का नाम बहुत है मार्केट में, वहां पे जाकर के देखोगे दिल्ली में तो, है ना. सो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप हमारे यहाँ पढ़ा लो, मतलब सैटरडे वहां पढ़ाओ. और 2018 में मैं वो जॉब छोड़ ही चुका था, तो मैं काम नहीं करता था कुछ, आई यूज टू ट्रेड ओनली, है ना. तो मैंने अपने सिस्टम बनाए हुए थे बीच बीच में, है ना. और छोटा छोटा ट्रेडिंग करता था, बहुत छोटा, मतलब वेरी मिनिमम. कभी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेडिंग नहीं किया, डाला भी तो 40,000 रुपए डाला, उस पर फिर नॉर्मल एक दो ऑप्शंस में ट्रेड किया और अपने सिस्टम्स बनाए ऐसे करके, उसको प्रैक्टिकली यूज करके, है ना. वैसा किया मैंने, कुछ भी कभी नहीं पढ़ाया किसी को जो मैंने प्रैक्टिकली ट्रेस्ट नहीं किया होगा. ऐसा है अभी. सो आई बिकम अ ट्रेनर तभी जब मैं कोई चीज कर पा रहा हूँ या मैंने किया है, राइट. तो वो चीज हुआ जब मेरे साथ ये हुआ 19 के, जब हम कोविड में थे, तो मेरे को बहुत लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी. नए नए इंस्टीट्यूट खुले, सबने बोला हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, इतना पे कर देंगे. मैं फ्रीलांसिंग रहना चाहता था, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, मेरे को सबके साथ अपना अच्छा रिलेशन रखना था. तो मैं हर जगह एक एक दो दो घंटा दे देता था. ओके कि आप 2 घंटा आपके यहाँ पढ़ा लिया, 2 घंटा आपके यहाँ पढ़ा लिया. एंड दे यूज्ड टू पे मी वेरी वेल. मतलब 1 घंटे का 1400-1500 रुपए मिलता था. आप सोच रहे हो, मतलब एक जगह पढ़ा है 1400 रुपए ऐसे करके, तो आप महीने में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हो. मतलब ऐसा हो गया था मेरा, घर बैठे बैठे, है ना. और घर पे कुछ देना भी नहीं है,
सो मेरा इनकम बहुत अच्छा हो रहा था उस पर, हर महीने आपको 1-1 लाख रुपए आ रहा है, एंड आई एक्युमुलेटेड अ वेरी गुड कैपिटल है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मतलब थोड़ा सा हमने ये शुरू पहले ही कर दिया था, मतलब आप सबमिट देखोगे ना तो नवंबर में आना शुरू हुआ था, तो नवंबर से आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रीलांस, ये सब फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया था मैंने ना, तो मेरे पास पैसा अच्छा इकट्ठा हो गया था. कोविड का जो फॉल है रोहित, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इलियट वेव को मैं जितना प्रैक्टिस करता था ना, मैंने वो चीज पकड़ ली थी कि ये फॉल आने वाला है, और मैंने सिर्फ वहां पे कुछ नहीं किया था, फिर एक गलती करी थी, बट वो गलती मेरे फेवर में आ गई, ऑप्शन सीखने के बाद भी फ्यूचर ट्रेड किया. ठीक है, तो मैंने 12,000 के आसपास ट्रेड चलता था, मैंने 11,990 के आसपास 2 फ्यूचर बेचे थे निफ्टी के. ओके, मुझे पता था कि ये फॉल आना ही आना है, आई वॉज 100% श्योर, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से गट फीलिंग था कि ये आएगा ही आएगा, क्योंकि सिचुएशन भी लग रही थी और मुझे पता था बाजार बहुत तेजी से गिरने वाला है ना. वो शॉर्ट लिया था पोजीशन मैंने, और जिस दिन बाजार में पहला 10% का सर्किट लगा था 13 मार्च को, उस दिन मैंने वो पोजीशन कवर कर ली थी. मेरे को ये डर लग रहा था कि पता नहीं यहां से क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट आते हुए डर लग रहा था लाइफ में कि प्रॉफिट होता है, होता है, इट हैपेंस व्हेन यू आर राइट बिग टाइम ना, ऐसा होता है उस टाइम पे कि आपको एक कोल्ड फीट होना शुरू हो जाता है यार, यहां से डेड कैट बाउंस ना आ जाए एकदम से, जितना प्रॉफिट में है वो भी पूरा रिकवर करके तो क्या होगा. सो दैट हैपेंस विद मी. तो मैंने कहा कि एक काम करते, काट लेते पोजीशन, देखा जाएगा, मेरा जो नुकसान हुआ है ना सारा कवर हो चुका है अभी तक, तो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है ना. बट इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देना, ये पैसा जो आया ना ये गया, तो अब मेरा लाइफ सब कुछ बेकार हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. व्हाट आई डिड वाज आई बुक दैट प्रॉफिट एंड लेफ्ट इट, सब कुछ छोड़ दिया. फिर आया 23 मार्च का टाइम, 10 दिन बाद मार्केट एक और सर्किट हिट किया. आई वॉज सिटिंग विद माई फादर, मेरे फादर ना उस टाइम पे रिटायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब से, उसी साल में 19 में रिटायर हुए थे. एनी आस्किंग कि यार पैसा मिला है बहुत सारा, क्या करना चाहिए, है ना, मतलब तो उनको, और क्योंकि एक साल हो चुका था, 2019 में रिटायर हुए थे, और मार्च का टाइम था, टैक्स भरने का टाइम था ना, तो उन्होंने बोला मेरे को 1.5 लाख, उनको पेंशन भी आ रहा था, तो बोले यार पेंशन पे टैक्स लग जाएगा, तो मैंने कहा कि एक काम करो 1.5 लाख रुपए मुझे दे दो, अभी मैं लगा देता हूँ, है ना. तो मैंने उनका तुरंत अकाउंट खोला और उसमें लगा दिया. यकीन नहीं मानोगे, 75,000 रुपए निफ्टी खरीदा हुआ है उनके अकाउंट में मैंने, उनके अकाउंट में, है ना. तो पहले साल में लिया और अगले साल फिर लिया, तो उनका थोड़ा एवरेज बीच में आया हुआ है, और हर साल वो उसी टाइम पे करते हैं, उनको पता नहीं 23 मार्च से बहुत प्यार हो गया है ना, और ही नेवर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, है ना, ही नेवर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, एक पैसा नहीं लगाया उन्होंने मेरे को, और हमेशा मेरे को अपोज किया कि नहीं करने का ट्रेड. लेकिन वो पैसा जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगाया था, वो डबल होते हुए देखा ना एक साल में, व्हेन मार्केट कम्स टू 22,000, और वही पैसा उनका कितना हो चुका है, तो रोज आप खोल के देखते रहते हैं, अच्छा 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, है ना, ही इज वेरी हैप्पी विद दैट, है ना. सो तो मेरे को ये चीज अब समझ में आती है ना, कि उनको भी चीज समझ में आती है कि लड़का गलत नहीं कर रहा था, मैंने इसको ध्यान से समझने का कोशिश नहीं किया, है ना. एंड नाउ हिस्ट्री व्हेनेवर ही कॉल मी ना, पूछते हैं अच्छा यार अदानी का शेयर गिर गया है, क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना. तो मैंने कहा ले लो, आपको लेना है तो पता है क्या बोलते, नहीं तुम ही ले लो, है ना, मैं तो बस देख रहा था टीवी में ऐसे न्यूज आया है ना, तो मतलब है ना, तो मतलब जस्ट deliberately want to talk to me about these things, है ना, कि बात करते रहते हैं ना, मतलब ऐसा है कि वो होता है ना एक, मतलब फादर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता बहुत लोगों का, लड़के लोगों का स्पेसिफिकली ना, इतना टॉकेटिव नहीं होते वो लोग, है ना, बट ही ट्राई टू मेक दैट कॉन्वर्सेशन ऐसा करके. सो बट ठीक है, इट्स ओके. सो वॉट हैपेंड इज दैट पोस्ट दैट थिंग, वो रिकवरी के बाद से मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट करना शुरू किया धीरे धीरे करके, एंड मेरा फ्रीलांसिंग वाला काम भी अच्छा चल रहा था, आई हैड अ गुड मनी, पैसे का प्रॉब्लम नहीं आया उसके बाद से, एंड वहां से सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट किया मैंने. ओके, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग द डेरिवेटिव कंसेप्ट ऑल्सो, कि स्ट्रैटेजीज बना के काम करना चाहिए, ये गलत हो तो इसका एडजस्टमेंट ऐसे करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. सो वहां से मैंने धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप करना शुरू किया, अपने स्टूडेंट्स लोगों को सिखाना शुरू किया कि आप भी ऐसा करो, है ना. उनको लाइव में ट्रेड करवाता था कि देखो सेशन के अंदर, हम सुबह सेशन करते थे, एंड आप ट्रेड करो, सेशन लो, ट्रेड लो, और गलत हो रहा है तो उसको ऐसे मैनेज करो. पैसा जिसके पास नहीं होता था, मैं बोलता था भाई पैसा बना ले, नहीं तो तू क्या 50,000 रुपए लेकर क्या है, जीरो कर देगा, फिर मेरा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा, है ना. आई हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं आपको भी कमा करके दूंगा, और मैंने दिया भी है बहुत सारे लोगों को, है ना. एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट ओवर द पीरियड, जब ये टाइम खत्म हुआ थोड़ा सा कि 2020 वाला टाइम गया, तो देन मेरे को कॉन्सेप्ट से कॉल आया कि वी हैव बीन नीड अ ट्रेनर जो ऑप्शन सिखा सके. तो ऑप्शन मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता था, बट दे कॉल मी. मैंने कहा कि पहले तो मैं थोड़ा सा टाल रहा था कुछ टाइप तक, है ना. सो कि ऐसा ऐसा, देन आई कंसल्टेड माई सर को पूछा मैंने, है ना, जो जिनसे मेरा अच्छा रिलेशन भी है एंड जिन्होंने मेरे को ये सारा सिखाया भी है. ही टोल्ड मी, देख राहुल यहाँ तो मैं हैंडल कर लूंगा, कोई तकलीफ नहीं, तू चला जा अगर तेरे को जाना है तो, बिकॉज तेरा करियर मैं नहीं रोक सकता आगे, है ना. ओके, क्योंकि यहाँ पे तेरे को अच्छा पे भी नहीं मिल रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो. तेरे को सीख तो लिया, तूने मेरे से सब कुछ सीख लिया, है ना. तो वो मेरे को क्या बोलते थे पता है,
कि देख तेरा एक्सपीरियंस मार्केट में 5 साल का हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में 50 साल का है, तो आई से तेरा एक्सपीरियंस 55 साल का है मार्केट में, है ना, तो है ना बिंदास बोलने का जाकर के झा भी बोलेगा, है ना, कि मेरा मार्केट में 55 साल का एक्सपीरियंस है ना, बट फन नोट पे, बट यस ही सेड दैट कि आई हैव सीन दैट यू हैव ग्रोन अ लॉट, ओके, तो यू गो फाइंड योर ओन वे, जाके सीखो और चीजें, जरूरी नहीं कि दुनिया में हर चीज मैं ही सिखाऊंगा तुमको, है ना, बट उनका एक अच्छा चीज है कि उन्होंने मेरे को ट्रेडिंग जब सिखाया था ना, उन्होंने मेरे को गाली देकर के ट्रेडिंग सिखाया, व्हेन ही वाज ट्रेडिंग ना ही इज ऑलवेज इन अ डिफरेंट जोन, मतलब आज के टाइम पे उस तरह का, आज के टाइम पे तो उस टाइप का जो ट्रेडिंग मेथड है ना, मतलब वो तो कोई करता ही नहीं आजकल के तो टाइम पे, पीपल आर टू मच पैम्पर्ड इन द ट्रेनिंग सेशंस। एग्जैक्टली, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ किया ही नहीं उन्होंने, और व्हाट हैपेंड रोहित, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि उनकी वजह से मैं आज तक एल्गो ट्रेडिंग में नहीं गया। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि जब तक तू अपना सौदा नहीं मारेगा ना, तेरी हाथ से बटन नहीं दबेगा ना, तब तक मजा नहीं आएगा तेरे को, और उस फन के लिए तेरे को ट्रेडिंग करते रहना पड़ेगा। एंड ही स्टिल ओल्ड, ही यूज्ड टू डू, अभी भी वो खुद ट्रेड करते हैं अपना, उनको दिखता नहीं है बेसिकली वो, लेकिन 7 का 8 दबाएंगे, लेकिन करते हैं वो अभी भी, खुद करते हैं। सो वो चीज इंस्पिरेशन है मेरे लिए यार, कि मैं वही चीज करूं, मारने में मजा कुछ और है। हाँ, है ना, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, दोनों चीज में चाहे प्रॉफिट हो, अपने आप सारा कुछ दबा के स्केयर ऑफ करने का मजा कुछ और है उसके अंदर। हाँ, ऐसे। और इसी में एक इंसिडेंट बताता हूँ रोहित, एक छोटा सा, जैसे आपने वाईफाई वाला प्रॉब्लम बोला तो मेरे को क्लिक किया वो चीज। एक बार मैं ट्रेड कर रहा था घर में, सो आई वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ 36,000 रुपीज का मैंने ट्रेड लिया था, तो इंट्राडे में मेरे को प्रॉफिट आ रहा था। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वॉज ट्रेडिंग ना, तो मैं अपना रूम बंद करके रखता था, ओके, नोबडी वॉज अलाउड इन माई रूम टिल आई एम ट्रेडिंग 3:30 तक, ओके। सो एक बार, और मेरा गलती से ना मैंने वाईफाई बाहर लगवा दिया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, तो मेरे को नीचे भी कवरेज चाहिए था, तो मेरा वाईफाई बाहर लगा हुआ था। सो मैं मॉम वॉज क्लीनिंग दैट रूम, है ना, तो उन्होंने गलती से झाड़ू मार दिया वाईफाई पे, एंड दैट गॉट क्लोज्ड, है ना। तो मेरे को 2 मिनट समझा नहीं कि क्या हुआ, है ना, तो पोजीशन चल रही थी, एंड बाय द टाइम आई रियलाइज कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, एंड देखा जाकर के तो पोजीशन पूरा रिवर्स हो चुका था, है ना। तो दैट 36,000 गोज इनटू 18,000 रुपीस लॉस, और मैंने वो खुलते ही काटा पहला पोजीशन। सो व्हाट हैपेंड, मैंने जाकर के देखा मेरी मम्मी खड़ी ऐसे करके, वो मेरे को देख रही है ना, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, है ना, कि क्या करूं, है ना। तो मैंने बोली क्या हो गया, है ना, मतलब उन्होंने आके मेरे को जस्ट पूछा है कि राहुल क्या हो गया, मैंने बोला मम्मी अभी ना चले जाओ, है ना, शाम को बात करते, है ना। तो बोलती बंद हो गया क्या, मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने कहा बहुत कुछ बंद हो गया अभी, है ना। तो मैंने कहा मम्मी आप चले जाओ, है ना, मैं बंद करके सो गया उस टाइम पे, मैंने बंद किया ना, स्लेप्ट इट फॉर यू नो 6:30 बजे उठे, फिर आके मेरी मम्मी पूछी क्या हुआ बताया, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, वो है ना थोड़ा सा लॉस हो गया था बस इसीलिए, है ना, थोड़ा। तो बोलती अच्छा चल, ज्यादा तो नहीं हुआ ना, मैंने कहा नहीं ज्यादा नहीं हुआ, है ना। सो ये सब इंसिडेंट होते हैं, दिस अ फन मोमेंट, ठीक है, अभी उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट आज सोचता हूँ ना तो ये सारे इवेंट ऐसे हैं कि नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं होता, है ना। सो दीज आर द थिंग्स, राइट, ओके। एंड पोस्ट दैट, ये सब होने के बाद व्हेन आई केम टू मुंबई, अब मुंबई आने का भी सिचुएशन ऐसा था कि 2017-18 में आई यूज टू ट्राई अ लॉट विद एवरीवन कि मेरे को आप काम दे दो मुंबई में, है ना, क्योंकि मुंबई में ज्यादा काम होता है, अब देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स एंड आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल आल्सो, सारे हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिसेस वहीं पे है ना। एग्जैक्टली, और मेरे को ना कभी किसी ने अपॉर्चुनिटी दिया नहीं, राइट। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी टीवी पे आप देखते हो लोग आते हैं, है ना, मतलब द पीपल हु कम, उनके मेल आईडी में मेरा सीवी होगा, मैंने भेजा हुआ है सबको, सबको ही भेजा है, मेरे को कभी रिवर्ट नहीं आया, है ना, ऐसा था, है ना। सो आई बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि यार मैं कभी मुंबई जाऊंगा नहीं, है ना, लेट इट बी, है ना, नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, नहीं होगा शायद, आई एम नॉट मेड फॉर दैट थिंग, है ना, ऐसा सिचुएशन हुआ। बट देन अगेन आई यू नो सम हाउ सिचुएशन चेंज हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड आई केम टू मुंबई, और वो भी कब आया, जब एकदम सेकेंड वीक, सेकेंड वाला वेव कोविड का पीक पे था, राइट। आई शिफ्टेड फ्रॉम वहां से इधर, मैंने अपने फादर को पूछा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ही सेड दैट कि यू आर डूइंग अ फ्रीलांसिंग वर्क, है ना, तुम अपना ट्रेडिंग करते हो विच इज ओके, बट ट्रेडिंग वालों को कोई नहीं देखता, मतलब मेरा एक शादी का रिश्ता भी आया था, है ना, मेरे लिए उस टाइम पे, तो मेरे फादर ने बोला कि ये पढ़ाता है, तो वो लोग सुन के आ गए, मैंने बात किया तो मैं बोलता मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, भाई वो ट्रेडिंग का नाम सुनते ही वो आज तक दिखे ही नहीं मेरे को वो लोग, है ना, है ना, सट्टा खेलता है ये, तो है ना, तो यार ये भी प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों की बातें सुनता हूँ ना, तो आई थिंक लाइक जिस टाइम पे मेरी जॉब थी, मेरी मैरिज उस टाइम पे हुई थी, ठीक है, मैरिज होने के 1 साल के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है, और मैंने स्टार्ट कर दी थी वापस, ठीक है, उससे पहले मैं छोड़ चुका था, मेरा अकाउंट खराब हो चुका था, ठीक है। कभी कभी तो मुझे अब लगता है ना इस चीज का कि
जिस टाइम पे मैं जॉब में था मेरी तब शादी होगी, अगर आज के टाइम पे मैं बोलता कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और फिर कहीं पे रिश्ता ढूंढ रहे होते तो शायद मेरे लिए भी नहीं मिलता वहां पे। मुझे करना है, जिस टाइम पे मैंने सोच लिया कि मुझे ट्रेडिंग में वापस जाना है, कहीं ना कहीं मेरी मदर को हमेशा से हिंट था कि इसने वही करना है जाके, ठीक है। तो किसी ने मुझे उस टाइम पे फिर फोर्स नहीं किया कि चल ठीक है यार, सोच रहा है तो कुछ सोच के कर रहा होगा, तो दे लेट मी डू इट। मेरे को लगता है कि मदर्स लोगों का बहुत इंपैक्ट होता है लड़के लोगों पे, है ना। सो सेम हैपन विद, सबने डाउट किया था मेरे को, मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि तू नहीं करेगा, बोलते ठीक है करता रहना, ही उस चीज तो से कि कर ले कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, है ना। मतलब जब भी मैं घर पे ऐसे आता था ना मूड सड़ा करके, यार ये काम ऐसा हो गया आज, नहीं मजा आया, है ना, नुकसान हो गया, तो बोलती थी कि कोई बात नहीं हो जाएगा, परेशान मत हो। I'll tell you the reason. उसका रीजन ये है, बिकॉज व्हेनेवर यू लॉस्ट मनी इट वाज योर मनी दैट यू लॉस्ट, ठीक है। आप अपने आप सैलरी कमा रहे थे, आपने उसके अंदर से लॉसेस किए, यू फिल्ड इट अप, ठीक है। आपको कभी भी अपने फैमिली फंड के अंदर डैब नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली हाँ, अगर डैब करना पड़ जाता मतलब इट इज सच अ बैड टाइम, पीपल हैव टू गो इन डेट ऑल्सो, ठीक है। अगर वो टाइम देखने को मिल जाए ना, देन आई बिलीव इवन मदर्स विल बी स्केयर्ड कि हम लोग क्यों जा रहे हैं वापस उस चीज के। अंडरस्टूड। मेरे साथ एक चीज बहुत अच्छी हुई, रोहित मैं बताऊं आपको एक चीज बता, तो आपने मेरी लाइफ में ट्रांजिशन देखा अगर आपने सुना ठीक से, तो मैंने पढ़ना शुरू किया था 2012 में, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2016। ये जो 4 साल का गैप है ना, ये पता है मैंने क्यों नहीं किया, मतलब मैंने क्यों ट्रेडिंग नहीं किया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे एक भी ऐसा पर्सन नहीं मिला था जो पैसा कमा रहा हो। मैंने कहा कि जितने लोगों ने मुझे आज तक पढ़ाया वो सब नुकसान करके बैठे हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे पहले पढ़ाया था, जिन्होंने जिनके मैं शुरू में गया था, वो बोलते थे क्या कहते हैं कि यार मैं तो बहुत नुकसान करके बैठा हूँ, है ना। दूसरी जगह एक दो जगह और बहुत लोग मिले जो मेरे को मार्केट में मिलते हैं, बोलते हैं हमने 2008 में बहुत नुकसान किया, है ना। तो मैंने कहा कि यार जब कोई पैसा कमा ही नहीं रहा तो मैं कैसे कमा लूंगा, तो मैंने कभी ट्रेड ही नहीं किया। बट जब तक मैं अशोक जैन सर से नहीं मिला ना, तब तक मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो उस दिन से यार ये पैसा बनेगा। अब यहाँ पे आई थिंक मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा हुआ था, आई टेल यू। एक बात कंफर्म करना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। टिल द टाइम यू आर नॉट ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग में आने से पहले मैंने बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थी, बहुत एक्सेल शीट्स बनाई थी, बहुत बैक टेस्टिंग की थी, सब कुछ किया था, ठीक है। द मोमेंट आई गॉट द मनी आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, आई वॉज कॉशियस, आई वॉज डूइंग द बियर कॉल स्प्रेड एंड अ बुल पुट स्प्रेड इन द ईयर 2017 के आसपास, ठीक है। इवन वेन माई फर्स्ट ट्रेड वेंट रॉन्ग आफ्टर फोर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 4 साल बैक टेस्ट करने के बाद, आई वॉज नॉट रेडी टू कट माई लॉसेस। आई वॉज जैसी वो मैंने ट्रेड ली, इट वेंट अगेंस्ट मी, आई फ्रोज। मतलब हैविंग लॉस्ट सो मच मनी, वो जो एक ट्रेड थी अगर वो मेरी गलत जा रही थी, आई वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड कि मेरे से वो काटी नहीं जा रही थी। एंड आई वॉज हेल्थ नर्वस। उस टाइम पे कोई मेंटर्स नहीं होते थे, जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था वहां पे कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था। मैंने अपनी जॉब के टाइम पे आई मेट वन पर्सन, ही हैज हिज ओन ब्रोकरेज फर्म, एंड एट वन टाइम्स उसने भी अपना सारा कुछ लूज करके फिर सब कुछ बनाया था। मतलब उसको भी अपने बीवी के सारे गहने वगैरह गिरवी रखने पड़ गए थे, ऐसा टाइम आया था। आई न्यू डैट पर्सन फ्रॉम द जॉब समहाउ। तो मैंने उनको ना बैठे बैठे कोल्ड कॉल कर दी फेसबुक के ऊपर, मैंने कहा अंकल बात करनी है आपसे। बोलते मुझे आफ्टर मार्केट बात कर। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है कि मैंने ना ऑप्शंस के अंदर पोजीशन क्रिएट की है, अब लॉस में जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। ही सेड, अब ही वाज अ सीईओ लेवल पर्सन, ही एक्चुअली रिटर्न माय कॉल, ठीक है। एंड ही सेड, बोला देख रोहित मुझे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जब मेरी पोजीशन मेरे अगेंस्ट जाने शुरू कर देती है मैं काट देता हूं, एंड आई टेक अ न्यू पोजीशन। मेरी 40% जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में होती हैं, बाकी सारे के सारे मैं लॉसेस लेता हूँ। एंड दैट हिट मी एट दैट टाइम कि यार अगर गलत जा रही है पहले काट दो, इससे पहले वो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाए। इवन 4 years ऑफ पेपर ट्रेडिंग डिड नॉट प्रिपेयर मी फॉर दिस कि मेरी पहली ट्रेड गलत हो सकती है, बिकॉज मंडे इवनिंग को बैठ के 3 o'clock आई वॉज टेकिंग अ पोजिशन, ठीक है। अगले दिन 9:15 से लेके 3:30 तक मैं उसके अंदर M2M को ऊपर नीचे होते देख रहा था। दैट वाज क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी रादर देन द बैक टेस्टिंग आई वाज डूइंग इन द डे जॉब, जहां पे मैं एट द एंड ऑफ द डे आता था। पिछले दिन 4 रुपए पे ऑप्शन बेची हुई थी, डे का सेशन देखा नहीं, ऑटोमेटिकली आपको दिख गया कि थीटा डीके हो गया। थीटा डीके से जो पहले का पार्ट होता था वो तो देखा ही नहीं हुआ था।
exactly ha that's how fir wahan se fir you know it started again and everything went on track mere sath bhi aisa hi hai ki rohit meri na meri meri na jo mind ki matlab formation hi aisa hua hai hamesha se ki jisne bhi mere ko padhaya na usne mere ko ye cheez zarur sikhayi hai aur main matlab mere ko agar mera koi teacher bol deta hai na ki idhar ko karne ka hai to main aag band karke uski baat maan leta hu है ना मतलब कि जो उसने बोला है तो गलत नहीं बोला होगा है ना सो मेरे को मेरी जो मोल्ड हुआ हूँ ना मैं जब मैं एकदम कच्चा था एकदम जो मैं मोल्ड हूँ उस चीज पे ही हुआ कि हमेशा अपना लॉस जो है ना उसको कट कर लो और रीएनालाइज करो कि कहाँ पे गलत हुआ फिर एंटर करो अभी जो मतलब आपने वो मूवी देखी राजी मूवी देखी है आलिया भट्ट वाली उसमें वो ना जब उसको वहां पे भेज रहे होते तो उसको एक चीज बोलते हैं एंड दैट डायलॉग एक्चुअली यू नो केम इनटू माय लाइफ आल्सो कि उसमें उसको ये बोलते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि तुम पकड़ी गई हो पकड़ने जाने वाली हो तो समझ लो तुम फंस चुकी हो मतलब यू आर ऑलरेडी इन दैट सिचुएशन अगर तुम्हें फील भी आए कि तुम गलत हो गई हो है ना तो तुम गलत हो ऑलरेडी गलत हो चुकी हो है ना तो वही चीज मैंने अपनी लाइफ में की कि यार हमें ना गलत होने से पहले फीलिंग आ जाती है कि हम लोग गलत हो रहे हैं एक लाख का नुकसान सात लाख का नुकसान होने पर हमको समझ में नहीं आना चाहिए कि हम लोग गलत हो चुके हैं राइट है ना तो मेरे को वो चीज समझ में आई मैंने बस उस डायलॉग को अपनी लाइफ में चेंज कर लिया मैं अपने हर स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि जब भी आपको लगेंगे ना कि आप गलत हो रहे हो समझ लेना आप ऑलरेडी गलत हो चुके हो ओके जब तक आपको कॉन्फिडेंस इट एक्चुअली मेक्स सेंस इट एक्चुअली मेक्स सेंस क्योंकि जब भी आप क्या कहते हैं यू नो आप ट्रेड में हो तो आपको गट फीलिंग रहती है कि ये पैसा देगी और जब गलत हो जाते हैं ना तो पता चलेगा ये गई हाथ से अब तो अब नहीं कुछ कर सकते है ना और फिर क्या करते हैं हम उसमें कुछ जाकर के इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं और वो रिवर्स हो जाती है एंड देन अगेन वी टेक सम अदर डिसीजन वो भी रिवर्स हो जाती है तो हम प्रॉपर एग्जिट होने के बाद भी प्रॉपर एनालाइज नहीं करते उस चीज को हम बहुत यू नो अननेसेसरी डिसीजन लेने लग जाते हैं वो नहीं करना चाहिए गलत हो गया नुकसान बुक कर लिया साइड हो जाओ ठंडा पानी पी लो सोचो क्या गलत हुआ या दूसरा स्टॉक सिलेक्ट कर लो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए रोहित कि ऐसा बोलते हैं मेरे को कि सर मेरे को ना वन सीआर का लॉस हुआ है गोल्ड में आप मुझे गोल्ड में ट्रेडिंग करवा दो और मैं इसी से रिकवर कर लूंगा मैंने कहा सर एक चीज समझने का कोशिश करिए गोल्ड जो मेटल है ना आपको सूट नहीं करता है आप उसी को क्यों ट्रेड करना चाहते हैं ना सिल्वर में कर लो शायद है ना पैसा रिकवर हो जाए है ना किसी और में कर लो लेकिन गोल्ड सूट नहीं करता आपको दिख नहीं रहा एक करोड़ का लॉस कर चुके हो आप है ना वो आपको सूट कर ही नहीं रहा आई थिंक सबसे बड़ा पैराडॉक्स पता क्या है सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि जो बंदा पैसा लूज करता है ना वो और पैसा लेके आता है कि मुझे लूज हुआ पैसा रिकवर कैसे करना है एंड दैट इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स ऑफ स्टॉक मार्केट यू विल हैव टू एक्सेप्ट एट वन पॉइंट कि जो गया सो गया अब ये देखो कि पैसा बनाना कैसे है वो रिकवर अपने आप हो जाएगा पर जब तक सोच रहे हो ना कि रिकवर कैसे करना है यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक ये तो लिख के ले लो रोहित कि पैसा रिकवर होता नहीं है है ना उस 10% की जो हम बात करते हैं ना 10% लोग जो पैसा कमाते हैं उनमें से आप 99% लोगों से बात कर लो वो भी ये बोलेंगे कि यार मैंने नुकसान किया है ना और मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं कि मैं वो रिकवर करने की बैठू जब भी मैं नया पैसा लेके कि मैंने हमेशा नई ट्रेड बनाई है और नई पैसा कमाने का सोचा है वो पुराना गया बात ये तो मेरे को ये चीज समझ में आती है कि कभी भी आप नुकसान में हो या आपको सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है एग्जिट लो भूल जाओ जो लॉस हो गया फ्रेश स्टार्ट करो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो एंड देन अगर नहीं समझ में आता तो फिर वो उतना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सीखो कि अगर आपका ट्रेड गलत हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है मुझे पता है कि अगर आपको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है उसको कम करके आप 60 पे ला सकते हो 50 पे ला सकते हो जीरो नहीं कर सकते बट अगर आपने कोई नुकसान होता हुआ 50% रिड्यूस भी कर दिया ना तो इट्स अ गुड विन फॉर यू इट्स अ वेरी गुड फॉर गुड विन फॉर यू मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ 2019 के आसपास व्हेन दिस सिचुएशन वाज गोइंग ऑन माय फादर गॉट रिटायर्ड ही टोल्ड मी कि देख इतना पैसा है अगर तेरे को चाहिए तो ले ले ना तो 10 लाख रुपए ले ले मेरे से बेसिक ट्रेडिंग करने के लिए ना तेरे को चाहिए तेरा कर मन है तो मैंने कहा ठीक है दे दो कोई तकलीफ नहीं है ना लेने में कोई तकलीफ नहीं था मैंने ले लिया बट मैंने उसको कभी ट्रेडिंग में यूज नहीं किया वो पैसा मैंने कभी भी ट्रेडिंग में यूज आई डिड इट फॉर अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेरे को अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना था तो मेरे साथ एक गलती क्या हुई उसमें कि आई यूज टू डू अ ट्रेड कवर्ड कॉल उसके अंदर तो उस टाइम पे येस बैंक मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक था तो वॉट आई यूज टू डू इज मैंने इक्विटी खरीदा और उसके अगेंस्ट में कॉल बेच दिया क्योंकि 250 रुपए का स्टॉक है 260 रुपए की कॉल ना 16 रुपए की मिल रही है 17 रुपए की तो कैन यू इमेजिन 250 रुपए पे आपका एक स्टॉक खड़ा है और 260 मतलब 10 रुपए का गैप और 17 रुपए ऊपर और तो इतना बड़ा गैप आपको मिलता था उसमें कि ये स्टॉक इतना भी मूव किया तो कोई तकलीफ नहीं होगा तो आई यूज टू डू दैट कवर्ड कॉल है ना अब उसमें क्या होता था कि मैं ऐसा करता था कि अगर मान लीजिए इक्विटी भाग गया इक्विटी में बड़ा मूव आ गया तो मैं दोनों पोजिशन कट करके पैसा ले लेता था ऑब्वियसली मैंने अगर
6-7 lakh rupees लगा करके, हाँ 7 lakh rupees लेकर के खरीदा है. ओके मैंने कहा इसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि बस अगर कोई स्टॉक यस बैंक की तरह काम कर गया फिर क्या करोगे. हाँ तो मैं समझाता हूँ उस चीज में भी, मैं कैसे मेरे साथ क्या हुआ इस चीज में. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैंने 3-4 बार किया यस बैंक और बहुत दूसरे शेयर्स में भी किया. एक टाइम पे यस बैंक 30-40% भी भागा हुआ है मेरे लेने के बाद. सो क्या होता है इक्विटी का डेल्टा 100 होता है, कॉल जो बेची हो 50-40 डेल्टा की बेची होगी तो नेट में आपको प्रॉफिट आता है जब आप बाजार भाग जाएगा तो. सो आप पोजिशन कट करके स्क्वायर ऑफ कर दो, छोड़ दो, है ना. आई डिड इट फॉर 3-4 times, मेरे को पैसा भी आया उसमें, है ना. 3-4 lakh बना है मेरा उसको करते हुए भी, है ना, कवर्ड कॉल करते हुए भी. बट वॉट एक्चुअली हैपेंड, 250 rupees पे वो येस बैंक एक बार गया था नीचे गिरने के बाद. वेन इट क्रैश्ड इट केम टू 250 अप्रोक्सीमेटली प्राइस पे आया था वो. मैंने वहां पे खरीदा, अगले दिन वो 30% क्रैश हो गया इक्विटी मेरा. वाओ. तो वहां से एक मेरे को एक हिट और आया कि मेरे पास येस बैंक का बहुत अच्छा इक्विटी पड़ा हुआ है ना. वो एक पूरा लॉट खरीदा हुआ था 250 का बाइंग प्राइस. सोच रहे हो अभी मेरे से, ये भी एक मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि इतना अच्छा, मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा था जहाँ पे मेरी लाइफ थोड़ा सुधरना शुरू हुआ था वहाँ पे मैंने एक और बैड डिसीजन लिया और मेरी लाइफ, मतलब मेरा एक बहुत अच्छा फंड ब्लॉक हो गया काफी लंबे टाइम के लिए. देन व्हाट आई डिड इज आई यूज्ड टू अर्न जहाँ जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा मैं उसका उससे करके येस बैंक को एवरेज करता रहता था. तो मेरा 250 का एवरेज मैंने कितना कर दिया, 30 rupees. कैन यू इमेजिन 250 rupees का एवरेज नीचे करने में मेरे को कितना पैसा लगा होगा और कितना क्या कहते हैं मेरे को क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट लगा होगा और कितना पेन लगा होगा मेरे को और 5 साल का लंबा लॉन्ग पीरियड. वहां से समझ में भी आ गया होगा कि कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए. एवरेजिंग करनी नहीं चाहिए, करने को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अच्छे स्टॉक में करो, है ना, बढ़ते हुए स्टॉक्स में करो, है ना. बट ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज वन बैड कॉल, इट इज ओके. आई लेफ्ट इट फॉर 10 years, 10 साल और रख लूंगा, कोई तकलीफ नहीं है. येस बैंक जितना भी होगा चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, है ना. बट मैंने साइमल्टेनियसली अपनी अदर इक्विटीज बिल्ड करना शुरू कर दिया वहीं से. और मैं, मतलब मैं बहुत एक सिस्टमैटिक इंसान बन गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब आप ट्रेडिंग में अच्छे हो जाते हो ना, राइट, तो आपकी लाइफ अपने आप डिसिप्लिन हो जाती है. ये एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी कि आप हर चीज में डिसिप्लिन हो जाते हो, मतलब नॉट रियली रिलेटेड टू, आप अपने हर एस्पेक्ट के लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन हो जाते हो. आपको अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है उसमें भी डिसिप्लिन हो जाते हो. आप अपने यू नो नॉर्मल डे रूटीन है उसमें भी बहुत डिसिप्लिन हो जाते हो. आपको जिम जाना है आपको वो भी मैनेज हो जाएगा. सो यू डू इट और वो हो जाता है, इफेक्टिवली हो जाता है, बिकॉज यू हैव सीन अ वेरी बैड सिचुएशन व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन. तो जब आप इससे बाहर आते हो ना तो आप ये सब मैनेज कर लेते हो बहुत इजिली. यू हैव सीन वर्स्ट इन दिस केस. तो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत इजिली मैनेज हो जाती है, राइट. ओके सो That was happened. So, मैंने धीरे धीरे करके एवरेज बिल्ड किया. मैंने पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया अपना म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इक्विटी के अंदर, है ना. मैंने बहुत स्लोली स्लोली यू नो इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया. देन आई स्लोली पिक्ड इट अप. और ट्रेडिंग का परस्पेक्टिव ऐसा है कि ट्रेडिंग मैं करता हूँ साइड साइड में, बट मेरे को अभी क्या, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दिया बिल्कुल. आई नेवर डू इंट्राडे ट्रेडिंग बिकॉज मेरा काम भी रहता है यहाँ पे एंड मेरे को ट्रेन भी करना रहता है लोगों को. ओके आई ट्रेड इन द कैपेसिटी ऑफ क्वांटसा. ओके क्वांटसेप्ट के अंदर मैंने बहुत लोगों को सिखाया है बिकॉज दे कम टू लर्न फ्रॉम क्वांटसेप्ट नॉट फॉर मी. मेरे से कोई सीखने नहीं आता है. ओके सो क्वांटसेप्ट ने ये चीज मेरे को भी बहुत हेल्प किया है. और क्वांटसेप्ट के अंदर जो डेटा सेट है वो आपको मार्केट को एनालिसिस करने में बहुत ईजी करता है. ओके दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नो विल प्रोवाइड यू. और आपको जब आपका डेटा इतना साथ आपको एक साथ मिलता है ना, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी बात किया था कि वेन यू गेट अ डेटा इतना सारा एक जगह पे, तो आपका एनालिसिस आप बहुत ज्यादा नहीं करते, यू गो इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे और बहुत इजिली आपको ये चीज यू नो आप कर पाते हो उसमें. ओके तो वैसा था. तो दैट इज वॉट वॉट इट हैपन्स. तो मेरा अभी जो मेरा करेंट सिचुएशन है इज एवरीथिंग इज स्टेबल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव की यू नो पैसा नहीं ट्रेड करने के लिए वो भी अच्छा है. पैसा रिकवर भी हो गया है. पीपल नो मी नाउ बिकॉज आई एम यू नो टेकिंग अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स ऑल्सो. यहाँ से इंडिया पूरा ट्रैवल करता हूँ मैं वीकेंड्स पे कभी कभी, है ना. सो आई हैव डन लाइक 3 or 4 rounds पूरा इंडिया में घूम करके क्वांटसेप्ट के थ्रू. सो एंड यू नो इस चीज से ये चीज अच्छी होती है कि पीपल हैव अ फेथ ऑन यू. व्हेन यू से समथिंग ना पीपल लिसन टू यू, है ना, और सुन के उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं ना. हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म भी है कि व्हेन वी हमारे से जो भी लोग पढ़ के जाते हैं वी टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम. अच्छे से सुनते भी, उनका देखते भी कि आप लोग ट्रेड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो हम उस चीज को एड्रेस भी करते हैं, राइट. तो मेरा वो चीज अच्छा है. मैं लोगों से बहुत अच्छा इंटरेक्ट करता हूँ हमेशा से, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं. मैंने कभी भी किसी का ऐसा नहीं बोला कि आज नहीं है तो अब हम बात नहीं करेंगे, आपका सेशन खत्म हो गया. एवरीवन कम्स टू मी एंड आई यू नो ट्राई टू सॉल्व देयर इश्यूज, क्योंकि
मैंने ओवर द पीरियड जो सीखा मेरे को सिखाने वाला था ही नहीं, एक ही जना था जिसने सिखाया और उसके बाद बहुत सारी चीजें मैंने खुद सीखी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स दैट मैं यहाँ पे आया तो शुभम यू नो ही इज अ वेरी गुड विद ऑप्शंस राइट, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है. भाविन इज यू नो टीना इज देयर ओके. तो ये लोग है ना, ये लोग जो पिलर्स हैं कॉन्सेप्ट के, दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड नॉलेज है ना ऑप्शंस के अंदर. तो इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा मैंने, ट्रेडिंग मेरी इम्प्रोवाइज यहाँ से भी हुई. तो ऐसा नहीं है कि आपका लर्निंग रुक जाता है. मेरे को ये भी समझ में आती है कि कोई आज चीज आप यूज करते हो तो 6-7 महीने में इट बिकम ऑब्सोलीट या 1-2 साल में वो ऑब्सोलीट हो जाती है. तो आपको अपना लर्निंग कर्व बढ़ाने के लिए हमेशा यू नो इट यूज टू बी लाइक दिस ओके. तो आपने एक चीज नोटिस करी, हमेशा लर्निंग कर्व ना बहुत ऐसा क्यों होता है, स्ट्रेट नहीं होता right? वो ऐसा होता है और एंड में जाके वो स्टीप हो जाता है अगर आप देखोगे ना. सो आपका लर्निंग कर्व इज गोज लाइक दिस, पहले धीरे धीरे होता है एंड देन इट गोज अप एंड इट बिकम वेरी स्टीप. तो उसका लॉजिक ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ना तो इसका मतलब ये कि जब आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने लग जाते हो तो आपकी लर्निंग का बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, एकदम से ग्रो होता है. पहले धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है एंड देन इट बिकम स्टीपर. तो थोड़ा सा भी एडिशन इन नॉलेज आपका मतलब जो विजडम को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है. ऐसा बोला जाता है ना, विजडम कैन नॉट बी यू नो ग्रांटेड, इट शुड बी अर्नड है ना. विजडम सबको मिलता नहीं है, आपको अर्न ही करना पड़ता है. तो वो कैसे आता है, आप सीखो चीजों को, नुकसान करो. नुकसान नहीं करोगे तो आई थिंक कभी अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, करना ही पड़ेगा है ना. मतलब वो आहुति है, देनी पड़ती है पहली वाली है ना. और मेरे को मेरे सर बोलते थे कि भाई देख, जिस दिन तूने स्टॉक मार्केट का सोचा था ना, समझ ले तूने अपनी कुंडली में नुकसान लिखवा लिया है ना. तो दुनिया में जो भी ऐसा है कि सोचता भी है ना कि वो ट्रेड करेगा मार्केट में आकर, कि उसने अपनी कुंडली में वो लिखवा करके आया है कि उसको लिखवा कर दिया हुआ है कि ऐसे दिन आने आने हैं, बुरे दिन तो एक बार ही आएंगे आएंगे. काम करने के लिए बहुत जगह रिजेक्शन भी आए हैं, स्टॉक मार्केट में भी मेरे को बहुत लॉसेस हुए हैं. एट द एंड व्हाट हैपन इज दैट दीज थिंग्स विल मेक यू अ वेरी काम एंड स्टेबल पर्सन है ना. ट्रेडिंग आपको बहुत अग्रेसिव नहीं बनाती, आपको बहुत काम बनाती है ओके. एंड मेरे को ये समझ में आती है कि पैसा आप तभी बनाओगे जब ट्रेडिंग बोरिंग हो जाएगा. द मोमेंट आपका दिमाग खराब होता है ना, ये आपको हम्बल कर देती है साथ के साथ. अगर आप अपनी जनरल लाइफ में भी थोड़े से अग्रेसिव हो जाओगे ना तो ये साथ के साथ आपको हम्बल कर देगी बैठ के वहीं. दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट इज, इट हैपेंस. सो ये लाइफ का मतलब, लोग बोलते हैं कि आप ये चीज ज्वाइन करो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. अरे जो ट्रेडिंग कर रहा है ना उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है, उसको पता नहीं है. टाइम पे जाके पता चलेगा. इधर सी मेरे को ये लगता है कि ट्रेडिंग छोड़ना नहीं चाहिए ओके. अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, गिव इट अ टाइम, गैप दे दो, कम अगेन है ना, छोटे से स्टार्ट करो है ना. प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज बहुत बड़े लेवल पे ट्राई करने का कोशिश कर देते एकदम से. अंटी उन्होंने से यू स्टार्ट एट अ लेवल, छोटे लेवल पे अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो बड़े लेवल पे वैसे ही मैनेज नहीं होगा. तो ट्राई टू मैनेज दोस थिंग्स एट अ लोअर लेवल. एक एक लॉट से ट्रेड करो, छोटे छोटे लेवल पे ट्रेड करो, धीरे धीरे बढ़ाओ उसको. क्योंकि एक्सपोनेंशियल चीज जब इंक्रीज होती है तो बहुत तेजी से बढ़ती है. तो अगर आप आज एक एक लॉट से कर रहे हो, दो दो से करोगे, तीन तीन से करोगे, जिस दिन आप 5 पे आ गए ना ऑटोमेटिकली, तो आपका जो 10 साल का प्रॉफिट छूटा हुआ एकदम से रिकवर हो जाएगा. ऐसा भी है. तो दैट इज वॉट यू नो मेरी तरफ से यही लर्निंग रहेगा कि आप स्टे इन द मार्केट किसी के लिए भी. आई डोंट नो, मेरा स्टोरी कुछ ज्यादा इंस्पायरिंग है नहीं, बट कोई अगर सुनेगा तो उसको ये चीज समझ में आना चाहिए कि यार सिंपल सा लॉजिक है कि यू हैड टू स्टे देयर. आपको आना पड़ेगा, आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा मार्केट को रोज है ना, चाहे कैसे भी सिचुएशन में हो. एक टाइम पे रोहित ऐसा भी था कि आई यूज टू स्टडी 200-300 चार्ट एवरी डे शाम को आकर के. मतलब वो हार्डवर्क आपको पीछे करना पड़ेगा, वो शायद दिखता नहीं है, शायद मैंने बताया नहीं कि इतना कुछ मैंने किया है पीछे है ना. बट आई यूज टू डू, मैं 250-300 चार्ट रोज स्टडी करता था. आज भी जाकर के मेरी वो प्रैक्टिस छूटी नहीं है. मैं घर पे जाकर के आज भी आई यूज टू सी चार्ट्स. मेरे को ना ऐसा हो गया था, आई यूज टू स्केयर्ड विद नंबर्स पहले हमेशा से है ना. बट मेरे को आज ट्रेड किस प्राइस पे ले वो भी याद रहता है. मैंने आज से 3 साल पहले कोई चार्ट देखा होगा, मैंने आपको कैसे डेट बता दी कि मेरे को डेट याद है, 22 जून है ना, इस दिन को डेट ये इशू हुआ था मेरे साथ. प्राइस भी बताया कि वो मैंने प्राइस इतने पे खरीदा था 194, फिर वो 175 तक गिरा, फिर उसके बाद वो कैसे याद होता है, आपकी लाइफ में हुआ है वो चीज है ना. तो इसलिए तो वो चीज अपने आप याद होने लग जाती है. इट इज ट्रेडिंग, इट लीव्स स्कार्स. हाँ वो दृश्यम वाला केस है ना, जो आपकी लाइफ पे हो रहा है, पिक्चर बन रही है सामने सामने, तो आपको याद रहती हो है ना, तो आप उसको बुला नहीं सकते राइट. सो दिस हैपेंस राइट ओके. तो यू बिकम काइंड पर्सन इन दिस एंड बिकम यू नो. और मेरे साथ दो प्रोफाइल जुड़ा है, मैं लोगों को सिखाता भी हूँ और दूसरा
मैं ट्रेडर भी हूँ, तो मेरे साथ ये ना कि मेरे को अम्बल रहना ही पड़ेगा है ना, कुछ भी करके है ना. सो मैंने एक चीज और, एक चीज जिसमें मिस करी है, आई हैव यू नो ट्रेन्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी. मैंने बीच में जब मैं फ्रीलांसिंग करता था तो मैं कॉलेज के स्टूडेंट को, एमबीए वाले बच्चों को डेरिवेटिव्स पढ़ाता था. तो मेरे को सबसे ज्यादा जिन्होंने लर्निंग दिया ना वो बच्चे थे मेरे, वो कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स थे. अगर वो नहीं होते ना तो मैं बोलता हूँ रोहित कि मेरे को डेरिवेटिव्स आता नहीं, क्योंकि उनके क्वेश्चन ऐसे होते थे कि सर ये होगा तो क्या होगा. बिकॉज बेसिक समझाना सबसे मुश्किल काम है डेरिवेटिव के अंदर. मतलब आप वो अगर आपने किसी बच्चे को समझा दिया ना, आपका फर्दर आपका सारा का सारा फंडा क्लियर अपने आप हो जाएगा. हाँ, मैंने जब कॉलेज में बच्चे लोगों को पढ़ाया ना, तो मेरे को उनका एज ऐसा था, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, 2016 से. 2016 में आई वॉज 24-25 ओनली, राइट, इतना ही था. तो मैं जब पढ़ाने गया ना पहली बार, तो मेरे से बड़े लोग भी एमबीए में बैठे हुए थे, मेरे से बड़े एज वाले भी है ना. बट नॉनदीलेस द प्रॉब्लम वॉज दैट व्हेन आई यू नो वेंट टू टीच देम, तो उन लोगों के क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे. दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न. उन लोगों ने इमेजिन किया कि कोई एक बूढ़ा सा टीचर आएगा पढ़ाएगा अपने को, है ना. व्हेन आई एंटर्ड इनटू क्लास, उन्होंने बोला कि सर हमने इमेजिन ही नहीं किया था. फिर मेरे को वो स्टार्ट क्लास करने से पूछते, बोलते सर आपका एज कितना, मैंने कहा आई एम जस्ट 24 है ना. तो ऐसा करके बोलते सर हमारा भी एज आपके बराबर ही है, ऐसा ऐसा करके, है ना. तो इवन कुछ लोग मेरे से बड़े भी थे, बट उन्होंने मेरी टीचिंग में इंटरेस्ट लिया, है ना. सो दे क्रिएटेड अ कनेक्ट विद मी, और उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करने शुरू किए पहली क्लास से. फिर मेरे को लगता था यार मेरे को नहीं आ रहा, फिर मैं घर जाके पढ़ता था, समझता था उस पूरी चीज को, देन उनको जाकर के समझाता था. तो वो 24 सेशन मेरी लाइफ में एक और ट्रांसफॉर्मेशन था, कि मैंने जब इनको सिखाया तो मेरे को पढ़ाना भी आ गया कि कैसे पढ़ाते हैं. इट एक्चुअली हैपेंस दिस वे. तो मेरे को एक चीज लगती है कि आप किसी को सिखा सकते हो ना कोई चीज, तो आप वो चीज में अच्छे हो, है ना. तो वैसा है, मैं ऑप्शन किसी को भी सिखा सकता हूँ, है ना. तो मैं बहुत अच्छा ऑप्शन में अपने आपको मानता हूँ, है ना. अब जो हमने नेक्स्ट चीज सीखनी है, that is we have to decide a date for recording on Elliott wave analysis. ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है उन्होंने हमेशा Elliott wave को investment के point of view से बताया है या swing trading के point of view से बताया है. But आपको पता है कि मेरा उसके अंदर format क्या रहता है. मैं कहता हूँ कि हम लोग अगर एक Elliott wave को समझेंगे तो उसको इस way में करवाना कि हमें कोई trading signal मिले, उसका stop loss मिले, and we should be able to trade with that particular pattern. और उसी के साथ हमारा और एक फिबोनाची और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी उसके अंदर क्लियर हो जाए. तो आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अवर चिट चैट टुडे. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग विद यू, लर्निंग अ लॉट अबाउट यू. ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट राहुल, एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस Elliott wave सेशन ऑल्सो. नाउ आई एम ऑलवेज, वो 10 साल से मैं कर रहा हूँ यार, मतलब 10 साल तो नहीं बोलूंगा मैं. हाँ, मैं Elliott wave पढ़ता था, बट मेरे को अशोक सर ने सिखाया ना जब से, तो आई एम अ वेरी गुड लर्निंग ऑन दिस, और मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी है. मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से, तो वो मेरे को जाके रिवाइज करने का जरूरत ही नहीं है. टेंशन मत लो, आप मुझे अभी भी बोलोगे तो मैं भी सिखा दूंगा. सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्लान ऑन इट एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट आउट. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी टुडे हियर. ओके, ठीक है रोहित. ओके, थैंक यू सो मच, एंड आपकी ऑडियंस को भी थैंक यू. आई होप इट मेक्स सम यू नो चेंजेस इन देयर लाइफ, है ना. कुछ नहीं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको मेरी लाइफ से कुछ मोटिवेशन मिलता है या कुछ भी समझ में आता है कि हाँ ये भी हम गलत कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर क्या मिलेगा, बट इफ यू थिंक इट वाज व्हेन वी स्टार्टेड दीज सेशंस, इट वाज नेवर अबाउट फाइंडिंग मोटिवेशन. ठीक है, इट वाज मोर अबाउट द जर्नी, बिकॉज हमें लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं या ट्रेनर्स हैं वो कैसे बनते हैं एक्चुअल में. ठीक है, हर किसी को पता है कि आज एक ट्रेडर है, ही इज डूइंग दैट गुड दैट गुड, पर जो पीछे 10-12 साल की जो एक ग्राइंड होती है ना, अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली खरोंच के देखोगे ना, हर किसी की सेम है. दे गॉट समहाउ इंट्रोड्यूस टू द मार्केट्स, ठीक है, फिर उनको लॉसेस हुए, लॉसेस से उनको समझ में आया कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं. ठीक है, फिर उन्होंने फिर से दोबारा से पैसा अरेंज किया, फिर वो दोबारा से मार्केट में आए, दे डिसाइडेड कि अब पुरानी मिस्टेक्स नहीं करनी है. ठीक है, एंड देन दे हाँ एंड स्टे करना है, एंड दे केप्ट ऑन इंप्रूविंग फ्रॉम देयर. सो इसके अंदर अभी मैं पहले भी शिखा से बात कर रहा था, इट वॉज लाइक कि इसके अंदर रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, आपको कर करके सीखना पड़ेगा एंड अपना दिमाग जमीन पे रखना पड़ेगा कि इट इज नॉट लाइक कि आप आ जाए और आप बोलोगे कि शाम को मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है. इवन दैट टाइम विल नीड सम टाइम.